हेलो, 10:30 बज चुके हैं। हम अपनी ऑफिशियली मीटिंग चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का अपनी सेकंड वेबिनार में स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज हमारे योगेश जी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं रेरा के। दूसरे स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे पास धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, जो सीएफओ हैं सुपर टेक के। दूसरे स्पेशलिस्ट के रूप में डीएलएफ में वाइस प्रेसिडेंट हैं सीए विप्लव कौशिक जी, थोड़ी देर में जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे विप्लव कौशिक जी। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करने से पहले आपको कोविड-19 में घर पे आप सेफ रहें, भारत सरकार के नियमों का पालन करें, जितनी भी मदद हो सके अपने आसपास में जो भी गरीब जनता है उनकी रियली में मदद करें, क्योंकि सरकार इतना बड़ा समाज है। हम आपस में सरकार भी केवल सरकार के हाथ में ही सबकी मदद नहीं हो सकती है, छोटा छोटा है हम सहयोग करेंगे तो जो ये महामारी हमारे भारतवर्ष में आई है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरण स्पर्श करता हूँ, सुनील गोयल जी। और मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने गुरु सुनील गोयल जी से कहता हूँ, सर वेलकम स्पीच के थ्रू इस वेबिनार का सर शुरुआत करें। श्री सुनील गोयल जी। साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जल्दी से हमें इस बीमारी से मुक्ति दे, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और परिवार भी आपका स्वस्थ होगा। आज सब लोग हम घर पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन के अंदर, कहीं आना जाना है नहीं। विनय मित्तल जी बड़ा अच्छा, उनका अथक प्रयास है कि उन्होंने दूसरी वेब सेमिनार आयोजित की और बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने चुना है, क्योंकि ये 2016 में भारत सरकार इस एक्ट को लाई थी, रियल इस्टेट डेवलपमेंट एक्ट 1996। और इसका जो मेन पर्पस था वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, और जो होम बायर हैं उनका हित सुरक्षित नहीं रहता था, उनका पैसे को डाइवर्ट करते थे बिल्डर, और प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता था। उन्होंने जो एस्क्रो अकाउंट खुलवाया उसके अंदर 85% पैसा रखना पड़ता है। अभी धर्मेंद्र जी ने बताया इसमें सीए लोगों भी काफ़ी स्कोप है कि वो टाइम टू टाइम उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा आज टॉपिक चुना है, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और हम जब और भी कोई हमसे रिलेटेड आदमी हमारे ऑफिस में आता है तो वो रियल इस्टेट के भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग इसमें अप टू डेट रहेंगे, क्योंकि योगेश कुमार जी का काफ़ी अच्छा इसमें मास्टरी है, पकड़ है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, और एक बार फिर विनय मित्तल जी को और सब पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। हेलो, अब मैं नितिन से स्टार्ट क्यों, हमारे बीच में हमारे विनीत जी हैं। विनीत कुमार जी, सर आप भी दो शब्द कह के हमें अनुग्रहित करें। विनीत कुमार जी वसुंधरा से। मैं विनीत कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और योगेश जी का स्पेशली स्वागत करता हूं, जिन्होंने एक बहुमूल्य टाइम दे करके हमारे ज्ञान में वर्धन करने की इच्छा व्यक्त की है, और उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरह से वो हमें ज्ञान वर्धन कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू विनीत जी। अभी मैं हमारे बीच आशीष मित्तल जी हैं। आशीष मित्तल जी प्लीज आपके दो शब्द। आशीष भाई, आशीष मित्तल जी आप मेरी वॉइस सुने। चलिए, इतने बीच हमारे बीच धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र भाई द्वारा से ब्लेसिंग मैसेज आपके प्लीज। आशीष भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप अपने प्लीज। नमस्कार सब साथियों, आज जैसे आप देख रहे हैं सेकंड वेबिनार हमारा जो है ये विनय जी के सौजन्य से हो रहा है। विनय जी ने इस लॉकडाउन में बहुत ही बढ़िया जो है लोगों को बिजी रखने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए शुरू किया है, इसके लिए इनका आभार। और सब हम लोग जो है जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से, अच्छे अच्छे लोग लेके आ रहे हैं जो हमें अपने अनुभव से और अपने जो नॉलेज से हमें जो एनरिच करेंगे, इसके लिए इनका धन्यवाद। और यही है दोबारा से सबसे प्रार्थना, कोविड में सब सुरक्षित रहें और जो है अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी। अभी हमारे बीच एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर मुकेश सिंह कुशवाहा जी भी हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हम हाँ जी, हाँ जी, हमारे बीच हमारे पवन कुमार गोयल जी हैं, जो लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया। अभी एक्चुअल क्या उसमें कोस्ट में भी हूँ, तो उसमें थोड़ा सा कुछ अच्छा। हमारे बीच हमारे पवन गोयल जी हैं, जो आप पास्ट सीआरसी चेयरमैन हैं। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ नितिन जी को। नितिन जी प्लीज अपनी फर्दर प्रोसीडिंग चालू करें।
नितिन जी प्लीज। थैंक यू विनय जी। आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट इन टुडेज वेबिनार ऑन रेरा। आई वेलकम अवर कोऑर्डिनेटर्स सी ए सुनील गोयल जी, धर्मेंद्र अग्रवाल जी, विप्लव कौशिक जी, आशीष मित्तल जी, विनीत जी, हेमंत गुप्ता जी एंड अवर ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर योगेश कुमार जी। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब सीधे योगेश कुमार जी से कहूँगा कि प्लीज़ अपना, हमारे 200 से ऊपर पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और अब अपना डेलीब्रेशन शुरू करें। योगेश जी। थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया है रेरा पर अपनी बात कहने का। जैसे कि सबको पता ही है कि कोविड के कारण ये मुश्किल तो सबके सामने आएगी, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है कि हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विनय मित्तल जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, साथ में मेरे गुरु पवन गोयल जी, मुकेश कुशवाहा जी, सुनील गोयल जी, नितिन गुप्ता जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, विप्लव कौशिक जी, आशीष कुमार मित्तल जी, विनीत कुमार जी और हेमंत गुप्ता जी, जिनकी सबके सामूहिक प्रयास से आज ये स्टडी सर्किल मीटिंग हो रही है। तो सबसे पहले जो है रेरा पर मैं अपनी स्क्रीन जो पीपीटी है वो शेयर कर रहा हूँ साथ साथ ही, जिसके साथ में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक बात और कहना चाहूंगा कि प्लीज अपना जो नाम है वो अपना सही कर लें, जिसके नाम पे भी अगर स्पेलिंग चेक विनय मित्तल के नाम से आ रही है वो अपना अपना नाम सही कर लें। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेंज योर नेम प्लीज। देखिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ये 2016 में आया, और 2016 में जब ये आया तो इसका जो प्रीएम्बल है, मैं आपको जरा बता रहा हूँ कि ये प्रीएम्बल में क्या क्या चीज इन्होंने कहा कि हम इन चीजों को कवर करेंगे। देखिए रियल एस्टेट पर पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था, रियल एस्टेट में कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी जो रियल एस्टेट को कवर कर सके। तो स्थिति ये होती थी कि भी प्रोजेक्ट, आपने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर आप गए और आप ये समझिए कि 10-10 साल लोग होते थे कि इंतजार करते हुए कि वो कब प्रोजेक्ट बनेगा और प्रोजेक्ट जो है उसका हैंडओवर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो इन्होंने प्रीएम्बल लिखा रेरा एक्ट का, उसमें ये लिखा कि ये जो रेरा एक्ट है ये इसलिए लाया जा रहा है टू एस्टेब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। दूसरा इन्होंने कहा कि भी टू इंश्योर सेल ऑफ प्लॉट एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो भी है मतलब जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि भी ये एफिशिएंटली, मतलब एफिशिएंटली मतलब आप कह सकते हैं कि टाइमली डिलीवर हो और इनकी जो सेल परचेज हो वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। थर्ड जो मेन ऑब्जेक्ट था इसका, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन द रियल एस्टेट सेक्टर। चौथा इन्होंने कहा कि जैसे डिस्प्यूट भी अराइज होते थे पहले, तो उन केसेस में क्या होता था कि जो डिस्प्यूट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था रिजोल्व होने में, कोर्ट का जजमेंट आने में। तो इसमें क्या हुआ कि एक सेपरेट एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म इन्होंने दिया है रेरा के अंदर कि जिससे जल्दी से जल्दी ये डिस्प्यूट जो एड्रेस हो जाए। इसके अलावा अगर जो एडजुडिकेटिंग में के ऑर्डर से किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश करना जो कि अपील को सुनेगा। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली ये 2016 में एक्ट आया था और इसके जो प्रोविजंस थे, सर्टेन प्रोविजंस जो है जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे कि भाई ये एक्ट को हम इस्टेब्लिश करें, चीज़ों को मतलब रेरा अथॉरिटी बनाएं, रेरा ट्रिब्यूनल बनाएं, उनके पास में सारा अपना सिस्टम डेवलप करें कि जो जो वो करना चाहते हैं, तो इस जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड सेक्शंस थे
सेक्शन 2, 222, 39, 41 to 58, 71 to 78 और 81 to 92। ये सारे के सारे सेक्शंस जो है इन्होंने 1 मई 2016 से नोटिफाई किए, और इसके बाद में जो अदर सेक्शंस थे, जो वर्किंग वाले सेक्शंस थे, जो एप्लीकेबिलिटी जो इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी करते, उनको जो है 1 मई 2017 से इन्होंने इन्फोर्स किया। अब देखिए ये एरेरा एक्ट के अंदर जो है 5 पार्ट आप इसे मान सकते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। नंबर 2 है रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल जो कि जो डिसीजन होंगे, जो ऑर्डर होंगे रेरा अथॉरिटी के, उनके अगेंस्ट में जो है अपील की हेयरिंग करेगा। जो लास्ट के 3 पार्ट हैं ये मेन चीज है प्रमोटर्स बिल्डर, नंबर 2 रियल एस्टेट एजेंट्स जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, और नंबर 3 अलॉटीज वी यानी जो कंज्यूमर्स। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही ये 1 मई 2017 में एक्ट एप्लीकेबल किया गया तो फौरन ही क्या हुआ कि इस एक्ट के अगेंस्ट में 20 हाई कोर्ट्स के अंदर रिट फाइल हुई, और ये बड़ा ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी कि एक नया एक्ट इन्होंने एप्लीकेबल किया और एक्ट को एप्लीकेबल करते ही जो है उसके अगेंस्ट में इतनी सारी रिट फाइल हो गई। और अगर जो जितने भी हाई कोर्ट्स थे 20 के 20 हाई कोर्ट्स अलग अलग इस एक्ट की इंटरप्रिटेशन करते तो ऐसी स्थिति में एक्ट कहीं का नहीं रहता, क्योंकि हर स्टेट का एक तरह से अपना एक्ट हो जाता, इंटरप्रिटेशन अलग अलग आती और इसको जो है मतलब वर्किंग में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता। होने को तो ये सेंट्रल एक्ट है, रूल्स और रेगुलेशन बनाने की पावर स्टेट्स को दी हुई है, लेकिन फिर भी अगर इंटरप्रिटेशन अलग अलग आ जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कि जो है किसी एक्ट को आगे चलाना। जब ये 20 हाई कोर्ट्स के अंदर जो है रिट फाइल हो गई तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ने SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने सेंट्रल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भी आप एक काम कीजिए कि अगर ये 20 हाई कोर्ट्स ने अलग अलग डिसीजन दे दिए तो एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और आज की तारीख में इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इमरजेंसी वाली कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में आप सारी की सारी जो रिट पिटिशंस हैं आप अपने यहाँ मंगा लीजिए और आप डिसीजन दे दीजिए इसकी वैलिडिटी को लेकर, इस एक्ट की कि ये एक्ट वैलिड है या नहीं है, और जो आपका डिसीजन होगा दैट विल बी एप्लीकेबल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करते हुए कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अभी जो है अपने यहाँ पर ये रिट पिटिशन नहीं मंगाते, सारी रिट पिटिशन नहीं मंगाते। उन्होंने क्या किया कि 19 हाई कोर्ट्स की हियरिंग पर स्टे कर दिया और केवल बॉम्बे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि आप रिट पिटिशन को सुनिए, और ऑल ओवर इंडिया अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उस रिट पिटिशन को ज्वाइन कर सकता है। और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को जो है 60 डेज का टाइम दिया कि भाई आप जो है 60 डेज में अपना ऑर्डर दीजिए इसकी वैलिडिटी को लेकर। तो उस केस में ये जजमेंट आया नीलकमल रिलेटर्स सब अर्बन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज अदर्स एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 330 पेज का जजमेंट, बड़ा ब्यूटीफुल जजमेंट इन्होंने दिया, और ये फर्स्ट ऑर्डर था रेरा के अंदर। और उसमें एक जो ऑब्जर्वेशन दिया वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। पैरा 181 में उन्होंने ऑर्डर लिखा कि अभी तक जो पोजिशन चल रही है रियल एस्टेट सेक्टर की वो इस तरह से है, देयर वॉज नो अकाउंटेबिलिटी एज टू एंटिटी और पर्सन रेस्पॉन्सिबल एंड और लाइबल फॉर डिलीवरिंग ऑन सेवरल प्रोजेक्ट दैट वर एडवर्टाइज एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल परचेजर्स। आप देखिए कि मतलब एक ही प्रोजेक्ट, एक ही जो है बिल्डर बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, और देखा जाए तो सारे ही सारे पता चला कि पेंडिंग चल रहे हैं, अमाउंट सब में कलेक्ट हो गई है और वो पैसा कहीं और लग गया है। व्हाट वाज प्रॉमिस्ड इन एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर्स सच एज एमिनिटीज स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस एसेट्रा वाज विदाउट एनी बेसिस, जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया बताया गया वो कुछ बनाया ही नहीं, इवन ऑफन विदाउट प्लान्स हैव बीन सैंक्शनड एंड वाज फार फ्रॉम
व्हाट वाज फाइनली डिलीवर्ड, कि जो जो सैंक्शन हुआ था और जो बनाया गया वो दोनों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था. अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम परचेजर्स वर आइदर बीइंग डाइवर्ट टू द अदर प्रोजेक्ट्स और वर नॉट यूज्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट एट ऑल एंड द डेवलपर वुड ऑफन बी लेफ्ट विद नो फंड्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट डिस्पाइट हैविंग कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम द परचेजर्स. और ये रियल में स्थिति यही थी कि फंड्स लेने के बाद भी उसका जो है कहना यही होता था कि मेरे पास कोई फंड नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट को पूरा कर सकूं. फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग लैक ऑफ फंड्स प्रोजेक्ट वर स्टॉल्ड एंड नेवर कंप्लीटेड एंड इंडिविजुअल परचेजर्स हु हैड इन्वेस्टेड देयर लाइफ सेविंग्स और हैड बोरोड मनी ऑन इंटरेस्ट वर लेफ्ट इन द लर्च ऑन अकाउंट ऑफ दीज स्टॉल्ड प्रोजेक्ट. देखिए मैटर्स क्या आते हैं कि रोजाना हमारे पास इस तरह के मैटर आते हैं कि भाई एक पर्सन कहता है जी मैं मेरी जॉब है, अब मुझे क्या, मुझे बिल्डर ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर जो है फ्लैट बनाकर दे दूंगा, मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि जो है कि आपको ईएमआई नहीं, नो ईएमआई टिल पजेशन. अब आज की तारीख में स्थिति ये होगी कि ना तो वो बैंक को ईएमआई पे कर रहा है बिल्डर, तो वो भी ईएमआई मुझे पे करनी पड़ रही है. मैं रेंट वाले हाउस में रहता हूँ, मैं मुझे उसका रेंट भी देना पड़ रहा है और मेरी स्थिति यह है कि भाई मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, अपना गुजारा कैसे चलूँ. तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम थी. इवन देखिए इंडिविजुअल परचेजर्स बट ऑफन नेट लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू टेक इलीगल पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस ऑफर टू देम अंडर द गाइज ऑफ फिट आउट्स एसेट्रा एंड विदाउट द डेवलपर हैविंग ऑब्टेन एन ऑक्यूपेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच इन टर्न वुड बी ऑन अकाउंट ऑफ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्ट्स और ओमिशन और कमीशन सच एज नॉन एडहेरेंस टू द सैंक्शन प्लान एक्सेस कंस्ट्रक्शन लैक ऑफ हैविंग ऑब्टेन द रिक्वायर्ड परमिशन एसेट्रा. Agreements entered into the individual purchaser were invariably one-sided, standard format agreements prepared by the builder developer and which are overwhelmingly in their favor with unjust clauses on delay delivery, time for conveyance to the society, obligation to obtain occupation / completion certificate, etc. Individual purchasers had no scope or power to negotiate and had to accept these one-sided agreement. तो इन्होंने ये सारे रीजन गिनवाए कि भी वैलिडिटी अपहेल्ड करते हुए इन्होंने कहा कि भी इस रेरा एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है. इस रेरा एक्ट की रिक्वायरमेंट को जो है इन्होंने इस सारी प्रॉब्लम्स को गिनवाते हुए कहा कि ये दिस एक्ट इज वैलिड. एक दो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने चेंज की एक्ट के अंदर, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न की नहीं है. अब सबसे पहले तो रेरा के 5 पार्ट हमने बताए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सेकंड आती है हमारी रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब आते हैं, अब जो लास्ट 3 पार्ट है, प्रमोटर, एजेंट एंड लास्ट इज अलॉटी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर्स की, ये प्रमोटर की लायबिलिटी क्या है रेरा के अंदर. कि सेक्शन 3, देखिए नॉर्मली हर एक्ट के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है. यहां पर आप इसे चार्जिंग सेक्शन मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, क्योंकि ऐसा कहना जो है एक रियल एस्टेट अथॉरिटी का है, एक स्टेट की रियल एस्टेट अथॉरिटी का है कि रेरा एक्ट के अंदर कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है. दिस सेक्शन talks about only registration. तो पूरा एक्ट के लिए जो एक चार्जिंग सेक्शन है ऐसा कोई सेक्शन नहीं है. तो हम ये मान, हाँ जी योगेश जी प्लीज इसे फुल पेज कर लीजिए स्क्रीन पीपीटी. एक मिनट, फुल पेज ही मैंने कर रखा है इसे. तो योगेश जी YouTube पे भी आ गया है कि YouTube पे भी मेंबर डिमांड कर रहे हैं फुल पेज प्लीज. ओके, YouTube पे 100 प्लस मेंबर देख रहे हैं अभी. ये स्लाइड शो में आ जाएगा फिर, मुझे स्लाइड शो में आप ऊपर कर दीजिए 73% से बढ़ा दीजिए इसे, क्योंकि YouTube, हाँ अब ठीक हो गया. थैंक यू. सेक्शन 3 क्या है कि जो चार्जिंग सेक्शन आप मान सकते हैं कि नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल और ऑफर ऑफ फॉर सेल इनवाइट पर्सन टू परचेज इन एनी मैनर.
कि आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप एडवर्टाइज करेंगे, ना मार्केट करेंगे, ना बुक करेंगे, ना सेल करेंगे, ना ऑफर ऑफ सेल करेंगे, या आप किसी को परचेज करने के लिए इंड्यूस करेंगे किसी भी तरह से. एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस मे बी इन ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑथराइजिंग अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट. देखिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि आप ना तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे. देखिए आप रोजाना अपना मोबाइल खोलते हुए देखते होंगे कि आपके पास भी ऑफर आ जाता है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बिक रही है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लीजिए, और उसमें कोई भी ना तो रेरा प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन बताया जाता है, ना वेबसाइट के बारे में बताया जाता है. बेसिकली उन्होंने सब चीज़ों को एक तरह से बैन किया है कि जब तक आप रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तब तक ना तो आप ये एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, मार्केट कर पाएंगे, मार्केटिंग कर पाएंगे, बुकिंग कर पाएंगे, सेल और ऑफर ऑफ सेल कर पाएंगे, और या किसी भी तरह से आप परचेज के लिए इंड्यूस कर पाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसेक्शन ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1. फिर इसमें एक जो है इन्होंने प्रोविजो कहा, इन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोजेक्ट, विनय जी ये स्क्रीन पर जो है मेरे लिखा हुआ आ रहा है जरा, provided that projects that are ongoing on the date of commencement of this act and for which completion certificate has not been issued to the promoter shall make an application to the authority for registration of the said project within a period of 3 months from the date of commencement of this act. देखिए जब ये रेरा एक्ट आया था तो सबसे ज्यादा झगड़ा इसी प्रोविजो के ऊपर हुआ था. बेसिकली जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट थे जो चल रहे थे और जो कंप्लीट नहीं थे उनके लिए कहा गया कि भाई कि जो भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग का मतलब इन्होंने कहा कि भाई जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, 1 मई 2017 को ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो उसके विद इन 3 मंथ जो है इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना था. और जितने भी ये बिल्डर्स थे इनका कहना ये था कि जी हमारे जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे पुराने हैं, तो एक नया एक्ट ला के, एक नया कानून ला के आप हमारे ऊपर जो है इसे नहीं थोप सकते कि भाई हमारे जो जो पुराने वाले एग्रीमेंट है हमारे तो वही चलेंगे, ये नया एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता. इसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई एक फर्स्ट प्रोविजो में तो ये कहा कि एक तो जो जो नए प्रोजेक्ट आएंगे सबसेक्शन वन के अंदर कि उनको तो आप सेल ही नहीं कर सकते जब तक आप रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, और जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं उनके लिए आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है. थर्ड में इन्होंने कहा कि भाई एक होता है प्लानिंग एरिया, इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया था पिछले आप उसमें भी देखेंगे कि प्लानिंग एरिया के बारे में बताया गया था. प्लानिंग एरिया में क्या है कि आप देखते होंगे जब भी आप कोई मकान बनाते हैं, अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको जो है मैप अप्रूव कराना होता है. मतलब कोई डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाकर रखती हैं कि हम किसी एरिया को किस तरह से जो है डेवलप करेंगे, और उसी हिसाब से जो है वो एक प्लांड एरिया जिसे हम बोलते हैं वो एरिया होता है. तो इन्होंने कहा कि देखिए ये क्या है कि जो जिस एंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री के अंदर ये जो है एक्ट आया है वो है अर्बन एरिया के अंदर, वो एंट्री है कि अर्बन एरिया को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. तो इन्होंने कहा कि भाई डेवलप अगर कोई प्रोजेक्ट है जो प्लानिंग एरिया के बियॉन्ड भी डेवलप किया जा रहा है और रेरा अथॉरिटी ये सोचती है कि ये जरूरी है कि अलॉटी के इंटरेस्ट में कि भाई अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो प्लानिंग एरिया के बियॉन्ड भी डेवलप किया जा रहा है तो और ये रिक्वायर्ड लोकल अथॉरिटी की परमिशन से डेवलप किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो इन प्रोजेक्ट को भी अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई आप ये भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए. फिर इसके बाद में क्या हुआ कि सबसेक्शन वन के अंदर 3 चीजें इन्होंने कवर करी कि भाई आप बिना रजिस्ट्रेशन के सेल नहीं करेंगे जो नए प्रोजेक्ट आएंगे. सेकंड में इन्होंने ये कहा कि भाई जो ऑलरेडी जो डेवलप प्रोजेक्ट हैं हमारे उनको हम इस तरह से कवर कर सकते हैं कि भाई
आप जो है विदिन थ्री मंथ अपना रजिस्ट्रेशन कराए जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और थर्ड में इन्होंने ये कहा था कि भी हम बियॉन्ड डेवलप प्लानिंग एरिया के भी हम जा सकते हैं। अब जो ऊपर वाला तीन कंडीशन थी उनका इन्होंने एक्सेप्शन दिया कि भाई उनमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। नंबर वन इन्होंने कहा भी अगर कोई भी लैंड अगर आप डेवलप कर एरिया डेवलप करने जा रहे हैं वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है, मतलब अगर 500 स्क्वायर मीटर तक का है या नंबर ऑफ यूनिट आप 8 बना रहे हैं, 8 से ज्यादा नहीं है, इंक्लूडिव ऑफ ऑल फेजेस, तो आपको जो है रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये तो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो है यूपी एक बड़ा स्टेट है या मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है, राजस्थान बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर 500 मीटर जो है एक मतलब एक छोटा प्रोजेक्ट माना जाएगा, 500 मीटर से थोड़ा ज्यादा का अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है या 8 यूनिट से ज्यादा। लेकिन अगर देखा जाए जो हिली एरियाज है तो वहाँ तो इनसे भी छोटे प्रोजेक्ट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये 500 की एरिया को कम करना या 8 यूनिट की कंडीशन को कम करना तो वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई अगर किसी भी प्रोजेक्ट को इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले ही जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो ऐसी स्थिति में उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो सी पॉइंट है ये कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिनोवेशन, अगर आप कोई भी सपोज कीजिए एक पूरा मतलब एक पूरा टावर है और पूरे टावर का रिनोवेशन किया जा रहा है केवल लेकिन उसे फर्दर सेल नहीं किया जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ रिनोवेशन और रिपेयर और रीडेवलपमेंट विच डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग, जो शुरू में कंडीशन दी हुई थी 5 उनमें से कोई भी नहीं की जा रही है, ना तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना उसे सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो है केवल रिपेयर और रिनोवेशन ही हो गया या रीडेवलपमेंट हो गया, वो जो है नया प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा इसमें ये एक चीज और भी कही है कि भाई अगर आप सपोज कहते हैं कि जी जैसे धर्मेंद्र जी के ही प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे, इको विलेज 1, इको विलेज 2, इको विलेज 3, अगर आप फेजेस में किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट को जो है वो स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट मानेंगे और आपको हर प्रोजेक्ट हर फेज को जो है अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये तो देखिए कंडीशंस आपके पास हुई जो एप्लीकेबिलिटी की भाई कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। अब सेक्शन 4 में बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन की देनी है। देखिए सेक्शन 4 जो है रेरा एक्ट का ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है कि जहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हुए हैं कि भाई हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिएंगे। वो मैंने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट को जो है मैंने यहाँ कवर नहीं किया है क्योंकि अगर मैं उसे यहाँ कवर करता तो केवल वो जो है अगले 2-2.5 घंटे में केवल वही कवर हो पाता। तो अगर हमारे जो कोऑर्डिनेटर है अगर चाहे तो इसके लिए एक स्पेशल जो है सेशन रख सकते हैं, फिर भी मैं जो ब्रीफ में इसको जो है बता देता हूँ। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर टू द अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सब चीजें रूल्स के अंदर भी बताई हुई हैं और रेगुलेशन के अंदर भी बताई हुई हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, इवन एक्ट में बताई हुई हैं कुछ रूल्स के अंदर और कुछ रेगुलेशन के अंदर बताई हुई है। द मैकेनिज्म फॉर रजिस्ट्रेशन दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्म टू बी फिल्ड, द फीस टू बी पेड आर टू बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इन एडिशन द promoter is also required to append other additional document information as is specified in rules। तो मैं थोड़ा सा जो है बस मैं फीस के बारे में बता देता हूँ कि अभी जो प्रेजेंट में फीस जो लगती है रजिस्ट्रेशन की वो किस तरह से काउंट होती है। मैंने हालांकि इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं अलग से थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यूपी में अगर आपका प्रोजेक्ट है कमर्शियल प्रोजेक्ट तो अगर ये अप टू 1000 मीटर का प्रोजेक्ट है आपका कमर्शियल तो जो रेट है वो है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का, और अगर 1000 मीटर से ज्यादा का प्रोजेक्ट है तो 1000 के लिए तो 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हैं ही, और फर्दर पर एवरी 100 स्क्वायर मीटर पर 10 रुपये स्क्वायर फीट के वो
फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की। अगर आपका रेजिडेंशियल या अदर प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल और अदर का मतलब क्या है कि एक तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो सकता है, एक रेजिडेंशियल कम कमर्शियल भी हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें, कि 100% कमर्शियल ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो रेट होगा वो होगा अप टू 1000 स्क्वायर मीटर रुपीज़ टेन पर स्क्वायर मीटर का। और अगर फर्दर 100 जो है पर मीटर पे ₹500 पर स्क्वायर मीटर का, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए योगेश जी। हाँ जी, एक मिनट, एक क्वेरी आई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 को दोबारा से एक्सप्लेन करना है। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 के अंदर तो 3 कंडीशन है कि जहां पर उन्होंने बताया कि किन किन को रजिस्ट्रेशन लेना है। नंबर 1 तो उन्होंने बता दिया कि नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट ही नहीं, अगर आप मतलब आप चाहते हैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, आप भी आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना है। फर्स्ट प्रोविजन के अंदर ये कहा कि भाई आप जो है अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है आपका, यानी जिसके लिए आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको विद इन 3 मंथ रजिस्ट्रेशन लेना है। थर्ड में उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी प्रोजेक्ट बियॉन्ड प्लानिंग एरिया बन रहा है तो भी हम उसको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कह सकते हैं। अब जो आते हैं उसके, अब जो ऊपर 3 कंडीशंस हैं उनका एग्जेम्पशंस नीचे दिए हुए हैं, ये 3 चीजें जो है इन पर रेरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। योगेश जी, एक क्वेरी आ रही है 3-4 मेंबर का, ये प्लीज रिपीट फीस अगेन। फीस की बता अभी मैं इसके बाद में बता देता हूँ, पहले जरा ये सेक्शन 3 को कर दें क्योंकि वो सेक्शन 4 का पार्ट है फीस जो है, ठीक है। तो जो एरिया है, अगर आपका आप कोई चीज एरिया डेवलप कर रहे हैं और वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है, या आप 8 यूनिट से ज्यादा नहीं बना रहे हैं सारे फेजेस के अंदर, तो आपको रेरा के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो किसी कोई गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, वो चाहेगी तो वो एरिया कम भी कर सकती है, कि मतलब आपसे कहेगी 300 स्क्वायर मीटर पर जो है हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, या 6 यूनिट बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि अगर किसी केस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस एक्ट को लगने से पहले ही, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले ही मिल चुका है, तो उस केस में भी रेरा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोजेक्ट को अगर मिल चुका है। तीसरा, अगर आप केवल रिपेयर रिनोवेशन या रिडेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना तो मार्केटिंग का है, ना एडवर्टाइजमेंट का है, ना सेलिंग का है, तो ऐसी स्थिति में कोई नया अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं आप, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप फेजेस में किसी डेवलपमेंट को करना चाहते हैं तो हर फेज को अलग से माना जाएगा और हर फेज का आपको रजिस्ट्रेशन अलग से कराना पड़ेगा। सेकंड, ये तो थी सेक्शन 3 की बात, सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 की। और अब जो नेक्स्ट क्वेरी आई हुई है वो आई हुई है कि रजिस्ट्रेशन फीस बता दें। तो रजिस्ट्रेशन फीस हर प्रोजेक्ट की क्या है कि अगर आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो कमर्शियल प्रोजेक्ट के केस में अगर अप टू 1000 मीटर का प्रोजेक्ट है तो आपको ₹20 पर मीटर के हिसाब से पे करने पड़ेंगे कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर। और अगर सपोज कीजिए 1500 स्क्वायर मीटर का आपका प्रोजेक्ट है तो पहले 1000 तक तो आपको देने हैं ₹20 पर स्क्वायर मीटर के, और अगले पर हजार पर आपको एक तरह से मतलब अगले पर 100 स्क्वायर मीटर पर ₹10 पर मीटर के हिसाब से देने हैं, मीन्स आपको हर 100 मीटर पर ₹1000 देने हैं सर। तो 1500 का मतलब ये हो गया कि आपकी फीस हो गई ₹25,000 की। अगर यही प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल और अदर है, रेजिडेंशियल और अदर का मतलब जो मिक्स है आपका प्रोजेक्ट, तो ऐसी स्थिति में जो है पहले 1000 मीटर तक आपको देने हैं ₹10 पर स्क्वायर मीटर के, और फिर अगले पर 100 मीटर पर ₹500 पर 100 मीटर के हिसाब से देने हैं, ठीक है। कोई और क्वेरी तो बताइए इसमें। नितिन जी, पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट है कि जिन्हें कोई क्वेरीज हो तो अपना रेज हैंड कर दें ताकि हम उनसे क्वेरीज पुट अप कर सकें। सर कुछ क्वेरीज आई नहीं है वैसे तो, लेकिन ये भी थी कि बाद में कंप्लीट कर लेंगे क्वेरी। जी योगेश जी, क्वेरी सबसे बाद में ले लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है,
अब ये मैं ब्रीफ में जो है, क्योंकि अब ये जो पार्ट आया है आगे, ये आया है जब मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है सेक्शन 4 के अंदर, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर रेरा अथॉरिटी को विदिन 30 डेज मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में जो है रेरा अथॉरिटी मुझे नोटिस इशू करेगी और मुझसे जो है मुझे बताएगी कि मेरी एप्लीकेशन में जो है क्या कमी है। मैं अगर कमियों को दूर कर देता हूं तो मुझे वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे, और नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है वो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है हर बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देनी पड़ेगी, ये सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है। जब हम पावर्स की बात करेंगे रेरा अथॉरिटी की, तब वहां पर हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। अब जो आते हैं हमारे, अब क्या हुआ, एक डिस्प्यूट, तो पहला तो डिस्प्यूट था रजिस्ट्रेशन को लेकर ही था जब ये कोर्ट में पहुंचे थे सारे जितने भी बिल्डर्स थे। अब नेक्स्ट जो है वो डिस्प्यूट हुआ सेक्शन 4(2)(l)C के अंदर। इसमें क्या हुआ कि अब क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए 2012 में किसी ने जो है एक फ्लैट बुक किया, और वहां पर जो है उसने ये कहा कि भी मैं जो है विदिन 3 ईयर आपको फ्लैट दे दूंगा। अब वो पीरियड ओवर हो चुका है, इवन 1 मई 2017 को जो है वो ऑलरेडी 2 साल डिले हो चुका है प्रोजेक्ट। तो रेरा एक्ट ये कहता है कि भाई आप जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन है 4(2)(l)C के अंदर, मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे सेक्शन 4 के अंदर, तो एप्लीकेशन के अंदर आप जो है आपको एक नया डेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो डेट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई आप कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दोगे। तो रेरा अथॉरिटी ने इसमें ये कहा कि भाई ये डिक्लेयर करना आपकी अपनी मर्जी है कि आप कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। लेकिन जब ये मैटर जो है कोर्ट में पहुंचा नीलकमल रिलेटर के अंदर, तो वहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि देखिए डिक्लेयर करने का राइट तो आपको है, लेकिन आप उस डिक्लेरेशन में कोई अनरीजनेबल टाइम नहीं ले सकते। अगर रेरा अथॉरिटी चाहे तो वो जो है नोटिस इशू करके उस पीरियड को घटा सकती है अगर कोई प्रोजेक्ट जो है अनरीजनेबल टाइम ले रहा है। सपोज कीजिए एक, मतलब एक प्रोजेक्ट जो है वो बनना था, और बनने के टाइम पे ये कहा गया कि जी हम जो है 3 साल में प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब 2012 में कोई सपोज करो मैंने एग्रीमेंट किया और उसमें मुझे कहा गया कि 2015 तक आपको दे देंगे। आज जब आप 2017 में जो है रेरा रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं 1 मई 2017 को, तब आप कहते हैं जी आपको 6 साल दीजिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इट मीन्स ये जो है ये टाइम अनरीजनेबल टाइम दिखता है। तो ऐसी स्थिति में रेरा अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी बोल सकती है कि नहीं, ये आपका टाइम जो रीजनेबल नहीं है, और आप जो है जिस दिन तक आप जो है इसका टाइम घटाइए, और जिस दिन तक का टाइम आप डिक्लेयर करेंगे रजिस्ट्रेशन आपका उस दिन तक ही वैलिड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब ये पॉइंट्स है, ये इससे पहले किसी को कोई क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी बता दें, क्योंकि अब जो है हमारा एक अलग पार्ट चालू हो रहा है जहां पर हमारा अपना रोल आता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है रेरा एक्ट के अंदर। सुमन योगेश जी, सुमन जी पूछ रहे हैं यूट्यूब पे, इज रेरा एप्लीकेबल टू प्रमोटर्स कंस्ट्रक्टेड फ्लैट बिफोर एप्लीकेबल ऑफ द एक्ट दैट इज बिफोर 2017। देखिए कंडीशन क्या है कि सेक्शन 3 में सब क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उस पर रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो रेरा एप्लीकेबल होगा। और इवन, और हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है, जब हम आगे आएंगे तो आगे जो है कंडीशंस हैं कि 5 साल तक बिल्डर को मेंटेन करना है, 5 साल तक वो कुछ चीजों के लिए लायबल है। तो जो मैंने बात कही थी जब हम इस टेलीविजन को स्टार्ट कर रहे थे सेक्शन 3 के लिए कि ये चार्जेबल सेक्शन नहीं है, मतलब इस एक्ट के अंदर कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, तो उसका रीजन ये है कि ये केवल रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन है। तो रजिस्ट्रेशन इज ए सेपरेट थिंग और रेरा एप्लीकेबिलिटी इज ए सेपरेट थिंग, कि रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन बेशक एप्लीकेबल ना हो लेकिन बाकी प्रोविजन रेरा के एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस तरह की कंडीशन, इस तरह के, मतलब जो आप ये बता रहे हैं प्रोजेक्ट पर भी। ठीक है, अब आते हैं हम सर। हाँ जी सर, कुछ क्वेरीज और आई हुई हैं पार्टिसिपेंट्स की पिछले वाले डेलिब्रेशन से रिलेटेड। जी जी बताएं चैट में, तो मैं एक एक करके ले रहा हूँ सर। पहला क्वेश्चन ये था कि
who issue completion certificate? देखिए completion certificate तो वो issue करता है वो development authority जिससे आपने अपना project sanction कराया है. जैसे गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप सेंक्शन कराते हैं वही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगी. नोएडा के अंदर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी वो इशू करेंगे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया, जिसके एरिया में आप पढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन था सर, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर बाय रेरा स्पेशली इन केस ऑफ यूपी रेरा? देखिए ये आगे डिस्कस कर लेंगे, ये अभी अभी का वो नहीं है. ओके सर. RERA is applicable on private builders engaged in 900 square meters within 900 square meters plot. Whether RERA is applicable? देखिए 500 से ज्यादा होते ही तो फिर applicable हो जाएगा, चाहे फिर तो एक मीटर भी ज्यादा होगा तो applicable हो जाएगा. Okay. Sir, एक question था, extra unit sold in development projects only to existing tenants. Whether RERA registration required? देखिए अगर वो 500 मीटर से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर वो कंडीशन आ रही है कि 500 मीटर से ज्यादा है या 8 यूनिट से ज्यादा है तो फिर जो है एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर बिल्डर जो है वो फेज वाइज कंप्लीशन कर रहा है यूनिट्स उसका प्रोजेक्ट का, तो उसे फेज वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है या कंप्लीट एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है? बिल्कुल, अगर आप फेज वाइज कह रहे हैं तो आपको फेज वाइज ही रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे. अगर आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको सबको एक साथ कंप्लीट करना पड़ेगा. सर एक था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट वेयर अलॉटमेंट हैज बीन गिवन रजिस्ट्रिंग ऑफ प्लॉट हैज बीन ऑलरेडी डन? देखिए जहां द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इशूड. देखिए अब इसमें क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत यह है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो RERA अथॉरिटी इसको अपने आप कवर नहीं करता कि जो जो जहां पर ऑलरेडी रजिस्ट्री हो चुकी है तो मींस वो अपने आप में कंप्लीट हो चुका है. वैसे तो लॉ ये है कि भाई जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना आ जाए तब तक रजिस्ट्री नहीं हो सकती. ओके सर कंटिन्यू. अच्छा देखिए अब आता है हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन RERA एक्ट, और RERA एक्ट का इम्प्लीकेशन दूसरी जगह हमारा क्या पड़ रहा है वो भी हमें जो है इस सेक्शन को देखना पड़ेगा. इस सेक्शन का क्या इम्प्लीकेशन हमारी इनकम टैक्स के ऊपर क्या पड़ रहा है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर RERA एक्ट सेक्शन 4(2)(LD). देखिए सेक्शन 4 जो है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. कायदे में तो इन्हें जो है ये रजिस्ट्रेशन के यहां पर नहीं डालना चाहिए था, इन्हें दूसरी जगह इस सेक्शन को डालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहां पर ये सेक्शन डाल दिया है तो हमें बीच में से उठाना पड़ा ये सेक्शन, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा है लेकिन यहां पर ये हमारी कंप्लायंस के बारे में बात कर रहा है. सेक्शन 4(2)(LD) प्रोवाइड्स दैट द प्रमोटर शैल मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय हिम वेयर इन 70% ऑफ द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द अलॉटीज शैल बी डिपॉजिटेड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट. द अकाउंट हैज टू बी सेल्फ मेंटेन्ड and is not an escrow account requiring the approval of the authority for withdrawal. देखिए जब ये क्वेश्चन जब शुरू में ये RERA एक्ट इन्होंने जो है आया था 2016 के अंदर तब उन्होंने एक FAQ दिया था, वहाँ पर ये लिखा था कि भाई ये जो है RERA एक्ट में जो है 70% की जो है आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना होगा और ये कोई escrow अकाउंट नहीं है, आपको सेल्फ मैनेज करना होगा. लेकिन आज आप आज की स्थिति ये मान के चलिए कि ये दिस इज एस्क्रो अकाउंट नाउ. और अब इसमें क्या है कि इसमें तीन प्रोविजो हैं इस सेक्शन 4(2)(L)D के अंदर. पहला प्रोविजो तो ये कहता है कि देखिए 70% तो अमाउंट जो भी है मतलब आप जब भी कभी पेमेंट लेंगे किसी भी अलॉटी से होम बायर से तो एक तरह से आप चाहें तो 100% अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन कर लीजिए. सेपरेट अकाउंट जो होगा ये आपको RERA अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि जी हम इस अकाउंट में पेमेंट लेंगे और उसमें 70% तो मनी जो है आप अलॉटी में इस वाले अकाउंट में लेंगे और 30% आप दूसरे अकाउंट में ले सकते हैं जो आप सेल्फ मैनेज करेंगे, उस पर ये मतलब कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. इसके बाद में क्या होता है कि ये सेक्शन 4(2)(LD) के ऊपर भी जो है अब इसमें भी जो है क्वेरी रेज हुई. हुआ क्या था कि जब ये एप्लीकेबिलिटी जो है या वैलिडिटी जो है टेस्ट हो रही थी तो बिल्डर्स को जो एक
एक जो ऑब्जेक्शन था ये सेक्शन 42LD के अंदर ऑब्जेक्शन इसलिए था कि जी हम जो भी पेमेंट है रेरा एक्ट ये कह रहा है कि जो भी आपने पेमेंट ली है अलॉटीज से वो उसका 70% आपको एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना। अब हुआ क्या कि मेजोरिटी ऑफ बिल्डर्स ने क्या किया कि पेमेंट तो ले ली और पता नहीं कहाँ गायब कर। अब जब रेरा एक्ट ये आया तो उन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी पेमेंट है जो आपने ली है वो आप मैनेज कीजिए लाइए और बैंक जो आपने यूज कर लिया वो तो यूज कर लिए प्रोजेक्ट के लिए, वो भी प्रोजेक्ट के लिए, बाकी आपको जो है वो जमा करनी पड़ेगी सेपरेट अकाउंट के अंदर। और इसको जो है रेरा ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपेल्ड किया कि भी आप ये पेमेंट जो है जमा कीजिए बैंक अकाउंट के अंदर। अब जो मैं जो है यूपी रेरा के रूल्स इसलिए ले रहा हूँ कि बेसिकली हम जो है यूपी के अंदर मेनली प्रैक्टिस करते हैं रेरा के अंदर, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि रेरा एक सेंट्रल एक्ट है और जब ये एक्ट इन्होंने बनाया था तो रूल्स भी लगभग इन्होंने ड्राफ्ट करके हर स्टेट को दिए थे कि जी आप देख लीजिए और अपने हिसाब से इन रूल्स को जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने के हिसाब से। तो ये भी आप मान के चलिए कि लगभग सभी स्टेट्स के रूल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसलिए यूपी के रूल्स को ले रहा हूँ क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेट के रूल को लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस डेलिब्रेशन में। अगर कोई मतलब स्टेट स्पेसिफिक जो है कोई रेरा की जो है मतलब स्टडी सर्किल होते थे तब उसमें लिया जा सकता है। अब इन्होंने कहा कि भाई पीछे वाले इसमें कि भाई जो आप पेमेंट जमा करेंगे वो आपको जो है केवल दो चीज़ों में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोविजन जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि फंड्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट। अब नीचे आ जाइए सर। अब यूपी रेरा रूल्स में रूल 5 क्या कहता है कि लैंड कॉस्ट होती क्या है। लैंड कॉस्ट शैल बी द कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रमोटर वेदर एज एन आउटराइट परचेज लीज चार्जेस एंड विल इंक्लूड द चार्जेस इनकर्ड टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए क्या कहा, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शैल बी द कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रमोटर टूवर्ड्स ऑन साइट एक्सपेंडिचर फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये कॉस्ट को इन्होंने डिफाइन किया कि ये आप जो है जो कॉस्ट इनकर्ड करोगे जो 70% अमाउंट ले रहे हो आप केवल आप इन दो पर्पसेस के लिए कर सकते हो। अब क्या हुआ कि अब सेकंड प्रोविजो आ गया। फर्स्ट प्रोविजो में तो उन्होंने कहा भी आप 70% जो है अमाउंट जो है वो यूज करोगे लोगे और 70% अमाउंट जो है यूज करोगे कंस्ट्रक्शन एंड सॉरी लैंड के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। सेकंड प्रोविजन में ये कहा कि भाई आप जो है सेपरेट अकाउंट में इस अमाउंट को रखेंगे और आपको विड्रॉ करने की परमिशन जो है हम तब देंगे आफ्टर इट इज सर्टिफाइड बाय एन इंजीनियर एन आर्किटेक्ट एंड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दैट द विड्रॉल इज इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कि भाई आप केवल उतना पैसा निकाल पाएंगे जितना जो है आपने प्रोजेक्ट को परसेंटेज में कंप्लीशन कर लिया होगा। अब क्या होता है कि देखिए हर प्रोजेक्ट के अंदर जब भी रेरा का रजिस्ट्रेशन होता है तो एक आर्किटेक्ट का जो है बताना होता है कि इसका आर्किटेक्ट कौन है इंजीनियर कौन है। आर्किटेक्ट की हर क्वार्टर में आर्किटेक्ट ये जो है सर्टिफिकेट देता है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कितना परसेंट जो है काम कंप्लीट हो गया है, कितने मतलब अप टू डेट कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है। इंजीनियर बताता है कि जी एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस क्वार्टर के अंदर इतनी खर्च हुई है और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ जी इतनी कॉस्ट जो है का काम वो बुक्स अकाउंट से देखता है कि वहाँ इतनी कॉस्ट का काम हो चुका है और आप जो है अब इतनी अमाउंट को पूरी कैलकुलेशन सर्टिफिकेट में कैलकुलेशन करके देता है कि अब इस अकाउंट से इतने अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि यूपी रेरा के रेगुलेशन क्या कहता है। रेगुलेशन 3 इसमें एप्लीकेबल होता है कि भाई जो सर्टिफिकेट इशू होना है क्वार्टरली उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है यूपी रेरा के अंदर कि रेगुलेशन REG1 में जो है सबसे पहले आर्किटेक्ट देगा, फिर REG2 के अंदर प्रोजेक्ट इंजीनियर देगा और REG3 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना एक सर्टिफिकेट देगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सर्टिफिकेट देगा तो पहले वो REG1 और REG2
जो है वो ले लेगा, तभी वो अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा, बिना ये दो सर्टिफिकेट आए हुए वो जो है अपना सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगा। और जब ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा तो आर्किटेक्ट एक REG 4 और इशू करेगा, उससे तो हमें ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन REG 4 जो है वो ये आर्किटेक्ट का काम। अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें होगी कि भी प्रोजेक्ट में विड्रॉल किस तरह से होगा, लेकिन जब चेकबुक जो है वो बिल्डर के पास ही है तो वो उसने जो है ये इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा था, उन्होंने अपने हिसाब से मनी को विड्रॉ किया, सर्टिफिकेट अलग बन गए, विड्रॉल अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर यूपी रेरा अथॉरिटी ने एक लेटर इशू किया, जितने भी जोनल ऑफिस यूपी के अंदर थे उन सबको जो है एक लेटर डेटेड 3/4/2019, उनको ये बोला गया कि भाई आप अपनी सारी ब्रांचेस को लेटर भेजिए कि जहां जहां भी ये एस्क्रो अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं वहां पर विड्रॉल की कंडीशन ये है कि जब तक ये कंप्लायंस के सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट भी बैंक ब्रांच के अंदर नहीं आ जाएंगे तब तक आप जो है विड्रॉल अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसी के अंदर एक थर्ड प्रोविजो के अंदर एक कंडीशन ये दी हुई थी कि जो भी प्रमोटर्स हैं अपने विद इन 6 मंथ, जब भी ईयर क्लोज होता है तो अपने विद इन 6 मंथ जो है वो ऑडिट कराना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फैक्ट प्रैक्टिस, और एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो जो स्टैचुरी ऑडिटर है उसको जो है एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सबमिट करनी पड़ेगी कि जो भी अमाउंट कलेक्टेड की गई है ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो केवल केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए जो है यूटिलाइज हुई है, और जो विड्रॉल हुआ है वो उसी प्रोपोर्शन में जो है वो इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4(2)(LD) हुए हैं। अब इसके बाद में रेगुलेशन क्या कहता है, रेगुलेशन 3 है यूपी के अंदर कि जो भी एनुअल रिपोर्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो REG 5 के अंदर जाएगी, ठीक है, और ये ड्यूली सर्टिफाइड होगी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो स्टेचुरी ऑडिटर होगा, यानी REG 5 जो है वो स्टेचुरी ऑडिटर करेगा और REG 3 कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। और नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन में कहा हुआ है कि जो प्रोग्रेस को सर्टिफाइड कर रहे हैं यानी क्वार्टरली जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग होगा, उसकी एंटिटी डिफरेंट होगी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो कि स्टैचुरी ऑडिटर कर रहा है। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन 2 है जिसमें ये REG 5 के बारे में बात कर रहे हैं, इफ द फॉर्म ऑफ द REG 5 ऑफ द स्टैचुरी ऑडिटर रिवील्स, यहां पर देखिए आपकी लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, That any certificate issued by the project architect, the project architect को कौन सा सर्टिफिकेट इशू करना है, क्वार्टर के 4 सर्टिफिकेट इशू करने हैं REG 1 4 क्वार्टर के, और जब वो प्रोजेक्ट जो है टावर कंप्लीट हो जाएगा तो REG 4, इंजीनियर को कौन सा देना है REG 2 देना है वो भी 4 देने हैं, कि कह रहे हैं कि इफ द फॉर्म REG 5 इशूड बाय द स्टैचुरी ऑडिटर रिवील्स दैट द सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट इंजीनियर over the chartered accountant has false or incorrect information and the amounts collected for a particular project have not been utilized for the project and the withdrawal has not been commensurate with the proportion to the percentage of completion of the project, the authority in addition to taking penal action as contemplated in the act and the rules shall also take up the matter with the concerned regulatory body of the said professional, that is architect, engineer and chartered accountant, for necessary penal action against them including this memorandum. तो ये बड़ा मतलब आपको बड़ा ध्यान से काम करना है इसमें, और इसमें बड़ी खास चीज जो मुझे नजर आई कि जब भी आप स्टैचुरी ऑडिट कर रहे हैं तो वो 4 सर्टिफिकेट तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का और 4 सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट के वो आपके पास हैं, इसके अलावा जो अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके भी REG 3 4 आपके पास आए होंगे, तो REG 3 तो आप सेल्फ जो है मतलब समझ सकते हैं, आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन पहली जो 2 चीजें हैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफिकेट दिया है या प्रोजेक्ट इंजीनियर ने जो सर्टिफिकेट दिया उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो मेरा अपना ओपिनियन इसमें यह है कि भी आप क्या कीजिए कि
आप दोनों चीजों के लिए इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट और इंडिपेंडेंट इंजीनियर की वैल्यूएशन का रिपोर्ट मंगा लीजिए कि पिछले एक साल के अंदर क्या क्या हुआ, और जो वो चार सर्टिफिकेट हैं उनसे कंपेयर कर लीजिए और तब अपना जो है REG 5 साइन कीजिए। इसमें नितिन जी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो जरा बता दें प्लीज। सर क्वेरी बाद में ले लेंगे। एक्चुअल में ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझाने के लिए है, क्योंकि स्टैच्यूटरी की लायबिलिटी यहाँ पर आ गई है, तो आप देख लीजिए अगर कोई नितिन जी और हेमंत जी कोई क्वेरी हो तो हाथों की पुट अप कर दीजिए। ठीक है ना हेमंत भाई, अगर कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर इसमें एक आध क्वेरी इस तरह की आई है कि अगर विड्रॉल नहीं करेगा बिल्डर एस्क्रो अकाउंट से तो वो प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेगा। देखिए विड्रॉल के लिए क्या होता है कि भाई आपको 30% अमाउंट तो अपने अमाउंट अपने पर्सनल पर्पस के लिए दी हुई है, आप वहां से खर्च कीजिए और यहां से विड्रॉ कर लीजिए सर्टिफिकेट लेके। बाकी तो ऐसा और ऐसा कोई लार्ज क्वेश्चन नहीं है सर इससे रिगार्डिंग, मतलब बेसिकली। चलिए ठीक है, मेरा दोबारा से कहना यह है कि REG 5 को बड़ा ध्यान से साइन कीजिएगा, REG 5 में आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, ये तो हो गई, ये हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंप्लायंस की बात हो गई जो हमारी डेटा एक्सेल में डाली। हाँ जी सर। योगेश जी मैंने कुछ क्वेरी जो यूट्यूब पाई आपको शेयर कर दिया पर्सनलाइज, आप वहीं से शेयरिंग का पढ़ लीजिए। सर मुझे आप बोलते जाइए तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए फिर मैं बाद में ले लूंगा वो सारी यूट्यूब वाली, बाद में लूंगा फिर। ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर टाइम बच। ठीक है सर, अब सर नेक्स्ट क्वेरी जो हमारी आती है, अब ये तो हमारा हो गया कि रेरा के अंदर क्या हो गया। अब कल विनय जी से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था जी आप ये बताइए कि अब इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट आने वाला है, अब जो ये रेरा की वजह से इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए अब जब REG 5 से पहले आपके पास में चार सर्टिफिकेट आ जाएंगे, REG 1, REG 2 और ये कंप्रेशन का सर्टिफिकेट, तो जब से ये ICDS एप्लीकेबल हुए हैं ICDS के केस में, अब आप कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो भी आप परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस पे करते हैं, तो अब आपको क्या हो गया है कि अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये क्रिएट हो गई है कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो है जो सर्टिफिकेट आपके पास आए हैं परसेंटेज कंप्लीशन वाले वो भी यहाँ अप्लाई करेंगे आपको। अब ये ICDS का मैंने देखिए मैं ICDS का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मुझे समझ में आया मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ कवर किया है, तो अगर मैं प्लीज कोई किसी क्वेरी का आपका आंसर ना दे पाऊं तो उसके लिए कंसर्न्ड जो है एक्सपर्ट है आप उनसे सलाह ले लीजिएगा जरूर। योगेश जी एक क्वेरी आई है जी, कैन स्टेचुरी ऑडिटर सर्टिफाई ए क्वार्टरली REG 3? नहीं सर, ये रेगुलेशन 3 में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन 1 डाली हुई है उन्होंने और वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि शुड बी अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक है सर, थैंक यू। ICDS 3 is the construction contract, construction contract, recognition of contract revenue. जो पैरा नंबर 16 है 16 है वो क्या कहता है कि contract revenue and the contract cost associated with the construction contract should be recognized as revenue and expenses respectively by reference to a stage of completion of contract activity at the reporting date. आपको पता है कि हमारी reporting date होती है last date of the financial year, उस दिन हमें देखना पड़ेगा, और इवन जितने सर्टिफिकेट्स जो आप बता रहे हैं ये भी क्वार्टरली में लास्ट डेट को होते हैं, इवन जो हमारा ये REG जो लास्ट REG आएगा क्वार्टर का वो 31 मार्च का आएगा, तो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू लेनी है वो और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देखनी है वो हमें परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन और परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन उन सर्टिफिकेट से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसिस बाय रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कम्प्लीशन of a contract is referred to as the percentage of completion method. जितना मैंने समझा था इसमें contract construction contract के अंदर कि अगर 25% से ज़्यादा आपका project complete हो जाता है तो आपको revenue recognize करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में the recognition of revenue and expenses by reference to the stage of completion of contract is referred to as the percentage of completion method. इसे percentage of completion method कह रहे हैं ये। Under this method, contract revenue is matched with the contract cost incurred in reaching the stage of completion, resulting in reporting of revenue, expenses and profit which can be attributed to the proportionate of work
कंप्लीटेड। तो ये हमारी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, हमें इसमें बताना पड़ेगा कि देखिए हमारी इनकम कितनी निकल कर आई है। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाल के देनी है हमें, जो हमारे परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, पूरी टोटल कॉस्टिंग निकाली जाती है उसके हिसाब से कि अब इतने परसेंट काम हुआ है तो उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, वो सब हमें बता, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर क्या है ICDS का 3, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू इन द पीरियड, या बता सकते हैं कि रिवेन्यू कितनी है हमारी और इन प्रोग्रेस, और कितना कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफिकेट, इंजीनियर का सर्टिफिकेट हो गया जिनसे आप बता सकते हैं कि भी इस स्टेज का कंप्लीशन हमने इस तरह से निकाला है। और इसके अलावा जो फर्दर डिस्क्लोजर क्या है, ए पर्सन शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एट द रिपोर्टिंग डेट, नेमली क्या है कि अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट लेस रिकॉग्नाइज्ड लॉसेस अप टू द रिपोर्टिंग डेट, द अमाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड एंड अमाउंट ऑफ रिटेंशंस। देखिए जो लास्ट वाली दोनों चीजें हैं, एडवांसेस रिसीव्ड और अमाउंट ऑफ रिटेंशंस, एडवांस जब से ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आया है तो एडवांस रिसीव्ड और रिटेंशंस ये हमारी इनकम का पार्ट नहीं है, डिक्लेयर करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजंस, ICDS 10 का थोड़ा सा पार्ट इस पे एप्लीकेबल हो रहा है। अब उसमें है क्या है कि ये प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, मैं प्रोविजन की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि हम डे टू डे हम जो है रेरा में जो है केसेस करा रहे हैं, तो हमारा रेरा अथॉरिटी ऑर्डर करती है कि जो सपोज कीजिए मैं पुराने वाले केसेस को ले रहा हूँ, एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जी अगर इन केस ऑफ डिले ऑफ द प्रोजेक्ट द प्रमोटर शैल पे ₹5 पर स्क्वायर फिट इन केस ऑफ पर मंथ फॉर डिले ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर अब ₹5 स्क्वायर फिट के हिसाब से योगेश जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी। हेलो, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ठीक है आप सर, आप हो रही है, आप बताइए सर। माइक थोड़ा प्लीज करेक्ट पोजीशन पर रखें। हाँ, माइक में करेक्ट पोजीशन में रखिए सर। अच्छा, अगर सपोज कीजिए जो मेरी मुझे कोई प्रोजेक्ट में फ्लैट सपोज करो 2015 में मिलना था, और अब जो मुझे पोजीशन मिल रहा है सपोज कीजिए 2020 के अंदर, मैं क्या करता हूँ कि मैं रेरा अथॉरिटी में जाता हूँ कि जी मुझे जो है मुझे फ्लैट का पोजीशन तो लेना है लेकिन मुझे डिले पेनल्टी दिलाई, और रेरा अथॉरिटी ये कहती है कि भाई देखिए एग्रीमेंट में जो लिखा है ना ये ₹5 स्क्वायर फिट या ₹3 स्क्वायर फिट या ₹4 स्क्वायर फिट ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, हम क्या करते हैं कि भाई हम आपको जो है इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्डर के ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है उस प्रोजेक्ट उस ऑर्डर की वजह से। तो ऐसी स्थिति, और नॉर्मली वो कहते हैं कि जी जब आप पोजीशन दोगे तब आपको ये इंटरेस्ट जो है एडजस्ट करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये लायबिलिटी हमारी कंफर्म हो गई है तो ऐसी स्थिति में हमें उसका प्रोविजन जो है अपनी बैलेंस शीट में बना लेना चाहिए, ऐसा मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो ए प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ए पर्सन हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ए पास्ट इवेंट, जो प्रोविजन की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि हमारी पास्ट इवेंट की वजह से हमारा ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हो गया है। It is reasonably certain that an outflow of the resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. अगर हम सपोज कीजिए ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं करने जा रहे हैं, अपील हम प्रिफर नहीं कर रहे हैं, मतलब अपील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बिल्डर जो है अपील नहीं करते हैं, उसकी वजह है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ऐसी स्थिति में अपनी लाइबिलिटी को हमें मानना पड़ेगा, हमें उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये रिलायबल एस्टिमेट, क्योंकि हमें सारी अमाउंट का पता रहेगा कि भी हमारी कितनी कितनी लायबिलिटी बैठेगी इस ऑर्डर की वजह से उस डेट तक, हमारी जो लास्ट डेट है मतलब 31 मार्च तक, वो हमें पता लग जाएगा तो हम उसके बेस पे जो है हम एक प्रोविजन बना सकते हैं कि हमारी लायबिलिटी कितनी बैठेगी। तो हमें ये भी इस चीज़ प्रोविजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
मतलब मेरा अपना मानना ये है कि भी आपको जो है जब आप ऑडिट करेंगे तो आप पहले जो है उन सारे केसेस की लिस्ट भी ले लें कि जो उस बिल्डर के अगेंस्ट चल रहे होंगे, और साथ में जो ऑर्डर्स आए हैं उनको भी देख लीजिएगा, और उनसे जो है वो एक बिल्डर से जो है कैलकुलेशन भी करा लीजिए कि भाई इस वजह से आपकी लायबिलिटी कितनी बैठ रही है, और उस हिसाब से आप प्रोविजन भी बना दीजिए। और इनका डिस्क्लोजर भी आपको देना पड़ेगा कि भाई ये जो आपने प्रोविजन बनाए हैं इनका डिस्क्लोजर पॉइंट नंबर 21 में है ICDS 10 के अंदर कि भाई ये लायबिलिटी किस नेचर की है, और शुरू में आपकी लायबिलिटी कितनी थी और एंड में कितनी हो गई है, इवन आपने पे नहीं की है, कितना आपने एडिशनल प्रोविजन बनाया है, प्रीवियस ईयर में कितना बनाया था और कितना जो है इंक्रीज हो गया है, कितनी अमाउंट यूज की है, और ये मतलब ये आपकी डे टू डे प्रोविजन वाली बात है। जब कोई कोर्ट ऑर्डर आता है तो उसके हिसाब से जो है ये प्रोविजन को बनाते हैं। तो ये आपका जो है जो ऑडिट वाला जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रेरा एक्ट के अंदर वो यहाँ पर खत्म हो गई है। अगर आप चाहें तो कोई क्वेरी करना चाहें तो बता सकते हैं। सर एक दो क्वेरी आई है, एक तो क्वेरी है कि एक सीए जो साइट जो क्वार्टरली रिपोर्ट सर्टिफिकेट साइन कर रहा है। हेलो हेलो बोलिए बोलिए सर, योगेश जी सुन रहे हैं? हेलो योगेश जी आवाज देखिए ये तो जो है एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये रेगुलेशंस का वायलेशन हो गया यूरोपीय रेट, तो वो सर्टिफिकेट माना ही नहीं जाएगा। ओके वेदर सीए सर्टिफिकेट कैन बी रिवाइज्ड, देखिए ये तो आपको विनय जी से पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो है इंस्टीट्यूट के रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा नहीं पता है। रेरा के अंदर में सर कोई इंप्लिकेशन हो कि सर्टिफिकेट रिवाइज हो सकता है? देखिए सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से कोई सर्टिफिकेट रिवाइज नहीं हो सकता। हेमंत जी जी, हेमंत जी जो रिवाइज करने वाला हमारे बीच में पवन जी बैठे हुए हैं, आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है इसमें, और पुष्पा जी भी हमारे साथ है, तो ये इंस्टीट्यूट का वर्जन थोड़ा अच्छा बता पाएंगे कि क्या एक सी अपना सर्टिफिकेट रिवाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये क्वेश्चन बाद में इनसे ले लेंगे। ठीक है सर ना, बाद में ले लेंगे ये, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे क्या होगा, आज अभी सॉल्यूशन दे देंगे इसका। ठीक है सर ओके सर, बाकी तो क्वेरी ऐसी नहीं है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। ठीक है जी, अब सर आते हैं वापस प्रमोटर पर। सेक्शन 4 में हमने प्रमोटर का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है, और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी हमने समझ लिए। अब आते हैं कि प्रमोटर्स की ड्यूटी क्या है। आपने एक तो ड्यूटी आपको समझ में आ गई हो कि भाई क्वार्टरली ये 3 सर्टिफिकेट आप लोगों से लेने हैं, नंबर 1 एक आर्किटेक्ट का, दूसरा इंजीनियर का, नंबर 3 जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इसके अलावा ये तीनों सर्टिफिकेट भी जो है उसे सबमिट करने हैं रेरा अथॉरिटी को, और क्वार्टरली अपडेट करना है वेबसाइट को, ये बताना है कि अपार्टमेंट की नंबर ऑफ अपार्टमेंट और गैराजेस बुक आपने पिछले क्वार्टर में कितने बुक किए हैं, आपको जो जो भी आपके यहाँ पेंडिंग अप्रूवल थी, जो जो भी आपने प्रोजेक्ट तो चालू कर लिया लेकिन हो सकता है आपके पास अप्रूवल ना हो, तो उनमें कौन कौन सी अप्रूवल आपने ले ली है, कौन कौन सी आपकी अप्रूवल पेंडिंग है, आपको स्टेटस बताना है एवरी फ्लोर वाइज, आपको फोटो भी लगाना है, आज की तारीख में आपको वीडियो भी सबमिट करनी है, तो ये जो है आपको क्वार्टरली अपडेट करना है वेबसाइट पर, ये प्रमोटर की लायबिलिटी है। इसके अलावा जो है जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं आपका, मतलब यूपी रेरा के अंदर से या कोई भी स्टेट है, जिन भी स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने लिए, जो आपने जहां पर आपका प्रोजेक्ट है, तो आपको अपनी वेबसाइट पे जो है यूपी रेरा मतलब स्टेट की उस स्टेट की वेबसाइट का एड्रेस भी डालना है जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन का नंबर भी डालना है। देखिए रजिस्ट्रेशन 2 होते हैं, कोई योगेश जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रविंद्र जी बता रहे हैं कि इनके 40 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन सुपरटेक तो एक ही है, तो जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया कि इनका जो है जो प्रोजेक्ट है तो ठीक चल रहा है। हेलो रोहित जी, आपकी रोहित जी आपकी आवाज क्लियर हो रही है।
हेलो रोहित जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ये मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? जी सर, जी सर, प्लीज थोड़ा सा ना आप एक ही सिचुएशन में बैठे वैसे ही बैठे रहे तो बार बार मूवमेंट करने थोड़ा सा आगे पीछे होने से ना थोड़ा सा वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है बस, प्लीज। जी 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 जी, तो आपको जो है जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितने भी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, तो ये जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना। मैंने आपको बताया कि ये दो तरह के रजिस्ट्रेशन, दो रजिस्ट्रेशन होते हैं रेरा के अंदर। एक तो रजिस्ट्रेशन होता है प्रमोटर का, कि जैसे प्रमोटर की डिटेल्स आती हैं, डायरेक्टर की डिटेल आती है, पार्टनर हो तो पार्टनर की डिटेल आती है, सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस वो सब चीजें डिटेल आती है। तो पहले तो एक प्रमोटर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो है आप जो है प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे, हर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन आपको अलग मिलेगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो जब भी आप उसका कोई ब्रोशर इशू करेंगे, एडवर्टाइजमेंट इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, तो उसमें दो कंडीशन कंप्लीट जरूरी है, कि एक तो आपको अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नंबर टू उस वेबसाइट का एड्रेस डालना है जिस पर वो शो होती है, और वो शो होती है रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पर, जो जो रेस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट होगी उसका एड्रेस भी आपको अपनी ब्रोशर पर या एडवर्टाइजमेंट में डालना पड़ेगा। अब सर जो ड्यूटीज में बात कर रहा हूं, आगे की ड्यूटी क्या है, कि जब भी कोई आप बुकिंग करेंगे, तो ये प्रमोटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक शेड्यूल डिटेल्स बताए प्रोजेक्ट के बारे में, और उसका शेड्यूल बताए कि वो कब जो है कि कब कितना स्टेज का कंप्लीशन देख करेगा, और कंप्लीशन की डेट भी बताए कि मैं इस दिन तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। पर्टिकुलर डेट बतानी होती है। पहले क्या होता था कि जब भी एग्रीमेंट हुआ करते थे कि ये हुआ करते थे कि जी मैं विद इन 3 ईयर, विद इन 4 ईयर, विद इन 5 ईयर। अब सपोज कीजिए मैं जा रहा हूँ आज, तो मेरे से 5 ईयर, कोई 2 साल बाद जा रहा तो उसके लिए 5 ईयर होगा। अब रेरा एक्ट आने के बाद में क्या हो गया है कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट दे दिए कि इस डेट तक आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि जो पॉइंट डी है कि जो प्रमोटर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर ऑल ऑब्लिगेशन फंक्शन अंडर दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन एग्रीमेंट टू सेल, जो भी चीजें हैं वो सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? टूवर्ड्स अलोटीज एंड एसोसिएशन ऑफ अलोटीज, ये दोनों के प्रति जवाबदेह है, जिम्मेदार है। ये बिल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके लिए ओसी एंड सीसी, ओसी का मतलब होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कि आप उसमें रह सकते हैं, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जिस स्पेसिफिकेशन में आपने अप्रूवल ली थी उसके हिसाब से ही आपने प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो भी वो चेंजेस करने के बाद भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि ये देखिए, ये जो एफ पॉइंट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी आप जो है 50% से ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट को बुक कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक एसोसिएशन ऑफ अलोटीज बनानी पड़ेगी विद इन 3 मंथ ऑफ मेजोरिटी ऑफ अलोटीज जब बुक कर चुके हैं। यानी आपका कोई प्रोजेक्ट 50% से ज्यादा बुक हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक एसोसिएशन ऑफ अलोटीज बनानी पड़ेगी। ये बिल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप जो है रजिस्ट्री जो है वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अलोटी के लिए करेंगे जो फ्लैट उसने परचेज किया है या यूनिट परचेज किया है। इसके अलावा जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया की रजिस्ट्री करेंगे आप एसोसिएशन ऑफ अलोटीज के फेवर। नॉर्मली मेंटेनेंस के लिए कहा हुआ है कि भी 2 साल तक मेंटेनेंस आरडब्ल्यू जो है वो बिल्डर करेगा, उसके बाद में जो है वो आरडब्ल्यू को हैंड ओवर करेगा। तो तब तक जो है मेंटेनेंस जो है वो प्रोजेक्ट की प्रमोटर करेगा। और इसमें भी खास होने वाली बात है कि जो रीजनेबल चार्जेस हैं वही वो कलेक्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा हायर चार्जेस वो कलेक्ट नहीं कर सकता है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टिल द आरडब्ल्यू है, जब तक वो उस प्रोजेक्ट को जो है आरडब्ल्यू को हैंडओवर नहीं करता, तब तक की जितनी भी अमाउंट की लायबिलिटी है वो सब प्रमोटर की होगी और वो उसे पे करना पड़ेगा। अच्छा, कोई प्रमोटर अगर चाहे कि भी कोई पर्सन बुक करा के जाता है उसकी यूनिट को कैंसिल कर दे, तो एज पर एग्रीमेंट टू सेल ही वो जो है कैंसिलेशन कर सकता है, उससे ज्यादा वो उसके अलावा कैंसिलेशन नहीं कर सकता। जो एडवर्टाइजमेंट वो इशू करता है
कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकता है, तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। अगर वो कल को जो है फॉल्स पाई जाती है कि भी उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, एडवर्टाइजमेंट इशू किया, तो ऐसी स्थिति में अगर वो मतलब फॉल्स पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो होम बायर है वो रिफंड क्लेम कर सकता है विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन। अगर जो है वो अगर ऐसी स्थिति में अगर मतलब होम बायर चाहे तो वो चाहता है कि ठीक है जी मैं फिर भी प्रोजेक्ट में रहता हूँ कि आपने बेशक मुझसे फॉल्स जो है चीजें कही हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कंपनसेशन का उसे राइट है लेने का। एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भी कोई भी बिल्डर है या प्रमोटर है वो 10% से ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकता जब तक कि वो एग्रीमेंट टू सेल ना कर दे, और एग्रीमेंट टू सेल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट लॉ के हिसाब से। अगर मैं यूपी की बात करूं तो कोई भी एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होता है 2% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ द फ्लैट, तो उसके 2% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है और तभी वो रजिस्टर्ड होता है। तो अगर जो है कोई भी 10% से ज्यादा ले लेता है तो ऐसी स्थिति में उस पर हेफ्टी पेनल्टी लगा सकती है रेरा अथॉरिटी। इसके बाद में क्या है कि अगर प्रोजेक्ट जो है मतलब उसने सैंक्शन ले ली है और लेकिन बाद में जो बिल्डर है वो चाहता है कि भी मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं सैंक्शन प्लान में, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में, तो वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि उसे 2/3 ऑफ द अलॉटीज अपनी अप्रूवल ना दे दे। इसके बाद में क्या होगा कि जो इवन उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया कंप्लीट और जो है प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया RWA को कि भी आप अब मेंटेन करो, तब भी वो 5 साल के लिए लायबल है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए। अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, वर्कमैनशिप की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होता है, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो भी उस प्रोजेक्ट के साथ लगी हुई है उनमें कोई डिफेक्ट होता है तो भी वो 5 साल के लिए लायबल है। पीछे जो एक क्वेरी आई थी कि जी मेरी जो रजिस्ट्री हो चुकी है और फिर भी जो है तो क्या वो RERA के अंदर आएगा, तो आप जो है जो नॉर्मल सेक्शन है उनमें आप आपको राइट नहीं है, लेकिन ये राइट है आपके पास में कि विद इन 5 ईयर इवन वो प्रोजेक्ट जो है RERA लगने से पहले कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन आप यहाँ पर जो है आपका राइट है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, वर्कमैन क्वालिटी है या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, तो आप जो है RERA के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टाइटल ऑफ लैंड अगर है, डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड है प्रमोटर का, तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए सू किया जा सकता है। अगर 100 साल बाद भी जो है टाइटल में डिफेक्ट निकल के आता है तो भी उस पर केस किया जा सकता है। अगर कोई प्रोजेक्ट जो है किसी थर्ड पार्टी को जो है ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में केवल उस कंडीशन में ट्रांसफर हो सकता है जब 2/3 अलॉटीज उसकी परमिशन दे दें, और इसके अलावा जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, मतलब आपने जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया हुआ है, अप्रूवल कराई हुई है, वो इसको अप्रूव कर दें, तभी जो है प्रोजेक्ट ये ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट मतलब इस तरह से अप्रूवल करा के प्रोजेक्ट ट्रांसफर भी कर दिया है, तो आप समझिए कि जो नया वाला प्रमोटर है वो दैट विल स्टेप इन टू द शूज ऑफ द अर्लियर प्रमोटर, वो सब उन चीज़ों से बाइंड है जो कि पुराने वाले प्रमोटर ने एग्रीमेंट में कही हुई है। वो ये नहीं कह सकता कि जी वो तो पुराने वाले का कमिटमेंट था, मेरे कमिटमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सब चीज़ों के लिए लायबल है, उसकी लायबिलिटी कहीं से मतलब चेंज नहीं होती। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस है, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि जी प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस भी कंपलसरी है, तो वो उसको इंश्योरेंस जो है वो लेना पड़ेगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटर की कि जब जो है मतलब वो रजिस्ट्री कर देता है, जब वो रजिस्ट्री कर देता है किसी फ्लैट की, तो उससे रिलेटेड जो OC है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है जो उसने लिया हुआ है, वो हैंडओवर करे उस अलॉटी को, और जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो उस RWA को करे जब उसने जब जो है वो रजिस्ट्री की जाती है। तो ये इन दोनों चीज डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उस प्रमोटर की है। इसके अलावा जो भी ये कन्वेंस डीड है मतलब रजिस्ट्री है, ये भी जिम्मेदारी प्रमोटर की है। अगर वो टाइमली जो है पोजीशन नहीं दे पाता है या प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में
अलॉटी को ये राइट, तो वो लायबल है कि अलॉटी को उसकी पेमेंट दे वापस विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन। इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन इनके लिए जो है ना आपको जो है रेरा अथॉरिटी में जाना पड़ेगा और आपको अपना केस फाइल करना पड़ेगा। इसमें जो पॉइंट है ये यू पॉइंट में तो है कि अगर वो जो है उसमें पजेशन ही फिर भी चाहता है कि भाई मुझे ठीक है पजेशन ही दे दीजिए कोई बात नहीं, आपने अगर जो है टाइमली नहीं दे पा रहे तो ऐसी स्थिति में उसको राइट है इंटरेस्ट लेने का और कंपनसेशन लेने का। और अगर आप रिफंड डिमांड करते हैं तो आपको रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन। जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी है कि भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा अंडर दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन में, ये प्रमोटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जिस कंडीशन में उसे अप्रूवल दिए सेंक्शन दिए उस प्रोजेक्ट के लिए उनकी टर्म कंडीशन में भी वायलेशन नहीं करेगा। इसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की है कि वो अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस और इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर अब ये पेनल्टीज हैं जो ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर उनमें जो है कुछ भी डिफॉल्ट करता है तो उस पर ये पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। नंबर वन पेनल्टी है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 59(1) के अंदर। अगर वो उसको रजिस्ट्रेशन कराना था, उसको नोटिस इशू कर दिया रेरा अथॉरिटी ने कि भाई आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, तब भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड ऑब्लिक और इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू 3 years हो सकता है उसका प्रमोटर का। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइप पे आप कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको 5% तक की पेनल्टी लग सकती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। इसके अलावा अगर आपने किसी और सेक्शन का वायलेशन किया है 3 और 4 के अलावा तो आपके ऊपर 5% की पेनल्टी लग सकती है एस्टिमेटेड कॉस्ट की। अगर आप रेरा अथॉरिटी के कोई ऑर्डर को डायरेक्शन को नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर एवरीडे पेनल्टी अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लग सकती है सेक्शन 63 के अंदर। अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर डायरेक्शन नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर एवरीडे पेनल्टी लग सकती है और अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट और प्लस जो है 3 years का इंफ्रिंजमेंट हो सकता है, या दोनों में से एक चीज भी हो सकती है या दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर इंफ्रिंजमेंट किसी का हो गया है तो यहाँ पर एक सेक्शन 70 और है कंपाउंडिंग एंड ऑफेंसेस, तो वो वहां पर आप कंपाउंडिंग के अंदर भी जा सकते हैं अगर किसी को कोई इस तरह की लायबिलिटी आती है। तो प्रमोटर से रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहे तो कर सकते हैं। जी नितिन जी, हेलो हेलो जी नितिन जी, हेमंत बोल रहा हूँ सर। ये 2-3 क्वेरी आई है प्रमोटर से रिलेटेड। जी बताएं सर। एक तो सर ये क्या आई है कि एग्रीमेंट डेट 4/3/16 की है जी, पजेशन डेट 20/8/20 की है, ठीक है, और रेरा कंप्लीशन उन्होंने 12/12/20 में किया है, ठीक है, तो इसमें कोई कंपनसेशन प्रमोटर से मिल सकता है? देखिए जो भी डेट है बिल्डर कोई भी डेट दे जी उससे कोई कंसर्न नहीं होता। मेरे एग्रीमेंट में क्या डेट लिखी है वो मैटर करती है, मेरे एग्रीमेंट के डेट से अगर डिले हो गया है तो मुझे मैं जो है इंटरेस्ट के लिए कंपनसेशन के लिए जा सकता हूं। ओके सर, एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर लेट पेमेंट एप्लीकेबल है सर इन केस ऑफ एनबीसीसी एंड जेपी जी, वेयर ओनरशिप हैज बीन चेंज्ड एंड एनबीसीसी इन इट्स रिजोल्यूशन प्लान हैज बीन डिनाइड फॉर द पेमेंट ऑफ डिले इन पजेशन, ठीक है, तो इसमें क्या रेमेडी होगी सर रेरा में? देखिए ये जो है ना एनबीसीसी की बात जो आप कर रहे हैं या जो रेरा में, इसमें ये रेरा के अंदर आएगा ही नहीं मैटर, ये स्पेशल केस हो चुका है। स्पेशल केस में जो है वो जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में होगा चीजें, अगर कुछ भी करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट की है के ही डायरेक्शन में हो पाएगा इसमें। सर एक क्वेरी थी कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट।
देखिए ऑक्यूपेंसी का मतलब ये है कि जो मेरा फ्लैट है दैट इज मतलब मुझे हैबिटेबल है या नहीं है, रहने लायक है या नहीं है, तो फिर इसके लिए होता है मेरा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द सेंक्शन प्लान जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया है उसके हिसाब से बना है या नहीं बना है वो होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके सर, यही तीन चार क्वेरी थी सर, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। एक योगेश जी एक क्वेरी आई है जी, कैन बिकॉज ऑफ कोविड-19 कैन अ बिल्डर डिले द पजेशन। देखिए कोविड-19 के अंदर दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेगी। नंबर वन तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी कंप्लीशन डेट है तो वो जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मतलब कोई भी की भी तब तक फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो 15 मार्च से तो सारी चीज़ें किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी चीज़ डिले हो रही है तो वो वैसे ही बढ़ गई है। नंबर टू बात ये है कि जितनी भी रेरा अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सबने कंप्लाइंस की डेट बढ़ा दी है, और बाकी और अथॉरिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी रेरा अथॉरिटी ने एक डिसीजन लिया है कि ये जो मतलब जो जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट जून तक आ रही थी जिनकी भी, उनकी ऑटोमेटिकली 3 महीने जून और दिसंबर तक आ रही थी, उनकी 3 महीने कंप्लीशन डेट बढ़ा दी है ऑटोमेटिकली। सर इस केस में सपोज जो असेसी है जो क्लाइंट है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू कोविड-19 जी, क्या उसके ऊपर जो प्रमोटर है जो बिल्डर है वो इंटरेस्ट लेवी कर सकता है? सर मेरा मानना तो ये कि देखिए वो तो कर सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट आपका नहीं होगा, डिफॉल्ट पहले का ही होगा। नहीं, अगर ड्यूरिंग कोविड-19 है उसकी कोई इंस्टॉलमेंट कोविड-19 में ड्यू हो रही है सर, और वो फिर फोर्स मेजर में आप ले सकते हैं उसका बेनिफिट। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारा जो पहरा आता है वो आता है एजेंट्स को रिलेटेड, कि अब आप सिंपल जो शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए था रेरा के अंदर, केवल अगर मतलब कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए रेरा के अंदर सेक्शन 3 के अंदर, तो कोई भी एजेंट उस प्रोजेक्ट को तब तक नहीं बेच सकता जब तक वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड ना। नंबर टू, जो नंबर वन प्रोजेक्ट तो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, साथ में उस एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब बिल्डर जो है सेक्शन 4 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है तो उस टाइम पर एक लिस्ट भी सबमिट करता है कि उसके कौन कौन से एजेंट हैं। तो ये चीज भी वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज होती है, रेरा की वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज होती है कि ये जो लोग हैं ये इस प्रोजेक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट नहीं करेगा जो कि रेरा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा क्या है कि जो एक जो रजिस्ट्रेशन है रेरा का एजेंट का वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा एक स्टेट के अंदर, उसे हर जगह जो है उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट जो है। अब एजेंट का काम क्या है, एजेंट का काम यह है कि भाई जो भी उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तो जितनी भी वो ट्रांजेक्शन करा रहा है जितनी भी बुकिंग कर रहा है वो हर बुकिंग पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कोट करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा। अब जो पीरियड दिया हुआ है नॉर्मली जितना पीरियड के लिए हम इनकम टैक्स के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिजर्व करते हैं उतने टाइम के लिए उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करनी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बेचेगा जो कि रजिस्ट्रेशन जिसका होना चाहिए था वो रजिस्टर्ड ना हो, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की है कि जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे अलॉटी को एट द टाइम ऑफ बुकिंग, अगर आप ब्रोकर के थ्रू बुकिंग करा रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट कराने की जिम्मेदारी बिल्डर से उस एजेंट की है। इसके अलावा ये ब्रोकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन है वो लगभग सिमिलर है बिल्डर के लिए भी और एजेंट के लिए भी, कि भी आप कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे अपनी सर्विसेज का, और आप ये नहीं कहेंगे कि जी प्रमोटर को ये एफिलिएशन है या हमें ये एफिलिएशन मिली हुई है, कोई फॉल्स या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे अपनी सर्विसेज को लेके कि भी ये चीज़ मिलनी वो सर्विसेज मिलनी भी नहीं है लेकिन आप कह रहे हो जी ये मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, और आप जो है कोई भी ऐसे अटैचमेंट नहीं देंगे उस किसी भी सर्विसेज को लेके
कि जो नहीं मिलना है और उसका आप ऑफर कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि जी हम ऑफर कर देंगे आपको। अब पेनल्टीज बहुत ज्यादा हेफ्टी है रियल एस्टेट एजेंट पर अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, सेक्शन 910 का कोई भी डिफॉल्ट करता है किसी भी तरह का, तो आप समझ लीजिए कि 10,000 रुपये पर डे की पेनल्टी है अप टू द 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लॉट फ्लैट अपार्टमेंट जो भी उसने बुक कराया है। इसके अलावा अगर रेरा अथॉरिटी कोई ऑर्डर देती है, अगर वो ऑर्डर नहीं मानता है तो एवरीडे पेनल्टी है अप टू 5% ऑफ प्लॉट फ्लैट अपार्टमेंट जो भी डिफॉल्ट उसने किया, जो भी उसने बुक कराया, मतलब जिसको जिसको बुकिंग कराने में उसने फैसिलिटेट किया। इसके अलावा अगर रेरा ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं मानता है तो एवरीडे पेनल्टी है फिर अप टू 10% हो सकती है एस्टिमेटेड कॉस्ट की प्लॉट फ्लैट अपार्टमेंट की, और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 1 ईयर या दोनों हो सकती हैं, और इम्प्रिजनमेंट के लिए कंपाउंडिंग भी पॉसिबल है। सर अब हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अलॉटीज, थर्ड पॉइंट कि अलॉटी जो हम होम बायर है हमारे राइट ड्यूटीज क्या हैं। तो बिल्कुल जैसे हम आरटीआई होती है तो आरटीआई में प्रोविजन दिए हुए हैं, ऐसे ही प्रोविजन सेक्शन 19 के अंदर होम बायर को दिए हैं कि उसको जो है वो एंटाइटल्ड है बिल्डर से इंफॉर्मेशन मांगने के लिए सेंक्शन प्लान लेआउट प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या और कोई भी जो इंफॉर्मेशन है एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड। स्टेज वाइज जो है कंप्लीशन है, प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ वाटर सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में वो जानकारी बिल्डर से मांग सकता है। उसका राइट है पजेशन लेने का, उसका राइट है अगर जो रिफंड अगर रेरा एक्ट के हिसाब से उसका रिफंड बनता है तो वो रिफंड मांग सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन। उसका ये राइट है कि पजेशन लेने के बाद में वो डॉक्यूमेंट्स प्लान ऑफ द बिल्डिंग वो सब मांग सकता है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से जो उसने वादा किया है पेमेंट देने का वो बिल्डर को टाइमली पेमेंट करेगा। अगर वो डिले करता है पेमेंट देने में तो ऐसी स्थिति में उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डर को इंटरेस्ट भी पे करेगा। अगर बिल्डर चाहे तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकता है या कम कर सकता है। जब RWA बनती है, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनती है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है एजेंट की, सॉरी अलॉटी की, ये उसका राइट भी है कि वो उस RWA के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, और ये लाइबिलिटी भी है यानी आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई आप जो है मैं RWA का मेंबर नहीं बनूंगा। इसके अलावा जब OC से आ जाए, OC का मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है आ जाए, तब आपको विद इन 2 मंथ आपको पजेशन लेना पड़ेगा अपने फ्लैट का, और विद इन 3 मंथ जो है कन्वेंस डीड आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या है अलॉटी पे अगर अलॉटी नहीं मानता है? अलॉटी अगर रेरा अथॉरिटी की डायरेक्शन या ऑर्डर नहीं मानता है तो एवरीडे पेनल्टी है अप टू 5% जो है जो कॉस्ट ऑफ फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट जो भी बुक किया है वहां तक उस पर लग सकती है। इसके अलावा अगर वो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं मानता है तो एवरीडे पेनल्टी है और अप टू 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लॉट फ्लैट अपार्टमेंट, और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी पॉसिबल है 1 ईयर का, और इसमें जो है कंपाउंडिंग भी हो सकती है। अब सर बात आती है अगर आप इसमें कोई क्वेरी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जो एजेंट्स में और होम बाय अलॉटी के केस में। नितिन जी सर, योगेश सर एक क्वेरी है काफी बड़ी है चैट में है, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। हेलो आप सुन रहे हैं योगेश जी? हेलो जी जी थोड़ा सा कनेक्शन। हाँ बताएं सर बताएं। इफ एग्रीकल्चर लैंड हैज बीन परचेज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्रीकल्चर लैंड, नाउ प्लॉट्स आर बीइंग सोल्ड थ्रू रजिस्ट्री, नो अलॉटमेंट लेटर गिवन or amount taken at the time of execution of deed. In deed, it is clearly mentioned that the buyer is fully satisfied with the land and there is no default in the terms of sale. He is satisfied with the possession. Whatever has been promised has been complied by the buyer. The project is not registered in RERA. Whether it is required to be registered, देखिए अलॉटमेंट कुछ नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि प्लॉट आप कैसे करेंगे? आप कुछ डेवलपमेंट वर्क तो करेंगे, आप सड़क तो निकालेंगे, नाली तो बनाएंगे,
दैट इज डेवलपमेंट वर्क, और आप जो है बेचने से पहले पेमेंट ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना पड़ेगा। ओके सर, और तो सर छोटे छोटे बाद में ले लेंगे क्वेश्चन, आप कंटिन्यू करिए सर। ठीक है सर, अब आती है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की। हमारे पास इस रेरा एक्ट के अंदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक तो आपने देख लिया एज ए स्टैट्यूटरी एज ए जो है क्वार्टरली कंप्लायंस करके जो है वहां पर आपके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये यूपी रेरा की वेबसाइट से कुछ मैंने डाटा उठाया है और मैं आपको बता देता हूँ। टोटल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट इन यूपी 2806 प्रोजेक्ट ये रजिस्टर्ड है यूपी के अंदर, और आप ये समझिए कि हर प्रोजेक्ट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम चाहिए जो इस चीज़ को मैनेज कर सके। और ये बात मेरे ख्याल से धर्मेंद्र जी ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि क्यों ज़रूरत है। सेकंड है कि टोटल एजेंट के रजिस्ट्रेशन चाहिए 3725 जो अब तक हुए हैं। टोटल कंप्लेंट हुई है 25246। फॉरेंसिक ऑडिट, ऑडिट का तो एरिया ही हमारा है, अब तक 59 केसेज में वो ऑर्डर कर चुके हैं। पेनल्टी 2 लाख पर प्रोजेक्ट जो है इम्पोज की है 732 प्रोजेक्ट्स पर यूपी रेरा अथॉरिटी ने, और 1 लाख पर प्रोजेक्ट इम्पोज की है 356 प्रोजेक्ट पर, जो कि ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि क्वार्टरली कंप्लायंस नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज की। सर स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार देख रहा हूँ जरा। जी सर, अब सर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो नंबर वन तो मेरे पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं रजिस्ट्रेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम जो कंप्लायंस के पेजेस आते हैं कि कितने पेज की कंप्लायंस करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कम से कम 4 पेज की लिस्ट बनेगी, और उसमें आपकी बैलेंस शीट भी जानी है, फाइनेंशियल फिगर्स भी जानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल आप ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। तो इसलिए आपके बिना तो ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता। नंबर टू, आप एजेंट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर थ्री, आप डे टू डे कंसल्टेंसी दे सकते हैं रेरा के अंदर प्रमोटर को, एजेंट को, अलॉटी को। इसके अलावा आप देखिए कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, आप उसका वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैक्सिमम रेरा की वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको वेरीफाई करके देख के डिजिलेंस कर सकते हैं कि भाई ये उसको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इवन कल ही जो है यूपी रेरा अथॉरिटी ने तो एक इनिशिएटिव और लिया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम स्टार रेटिंग अब देंगे प्रोजेक्ट्स को, जो वेल कंप्लाइंट होंगे प्रोजेक्ट्स उनको हम जो है मतलब 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार इस तरह से जो है कैटेगरी में रखेंगे। इवन आप देखिए कि अगर प्रोजेक्ट टेक ओवर हो रहा है, कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट टेक ओवर हो रहा है, तो आप एच पर रेरा उसका ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं कि भी उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रेरा की कंप्लाइंट कितनी है, और अगर रेरा की जो है कंप्लाइंट जो जो भी उसने डिफॉल्ट किए हैं उनके हिसाब से अगर रेरा की कंप्लाइंट हमें करनी पड़ जाए या जो लिटिगेशन चल रही है उनमें क्या लाइबिलिटी जो है इस प्रोस्पेक्टिव परचेजर के ऊपर आ सकती है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो भी लाइबिलिटीज होंगी जो पुराने वाले से आप टेक ओवर करोगे आपको सारी लाइबिलिटी भी उसकी टेक ओवर करनी पड़ेगी, आप उनसे पीछे नहीं हट सकते। इसके अलावा क्वार्टरली सर्टिफिकेशन वर्क तो है ही आपके पास में, ईयरली सर्टिफिकेशन है आपका। इसके अलावा लिटिगेशन आप कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटर, एजेंट, अलॉटी, कहाँ पर, रेरा अथॉरिटी के अंदर और रेरा ट्रिब्यूनल के अंदर। इसके अलावा और किसके बिहाफ पर कर सकते हैं, आप बैंक्स के बिहाफ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है लिटिगेशन में जरूरी नहीं है कि आप यही लोग केस कर सकते हैं,
कोई बैंक नहीं कर सकता, बैंक भी कर सकता है, एनी पर्सन एग्रीव्ड वो जो है केस फाइल कर सकता है रेरा के अंदर कि कोई पर्सन अगर जो है रूल्स रेगुलेशन एक्ट रेरा का फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा जब भी कोई अपील फाइल होती है रेरा के अंदर, रेरा क्रिमिनल के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि मैंडेटरी डिपॉजिट होता है, तो वो अमाउंट जो है वो केवल और केवल सीए सर्टिफाइड करके देता है कि भाई इतनी अमाउंट जो है वो जमा होनी चाहिए ट्रिब्यूनल के अंदर, तभी वो केस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है सेक्शन 43(5) का सर्टिफिकेट भी आप ही इशू करते हैं। इसके अलावा सर आपको जो सेक्शन 56 है वो कहता है कि भाई ये राइट है कौन कौन लोग रेरा के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर या अपेलेट मतलब रेरा अथॉरिटी के सामने या रेरा ट्रिब्यूनल के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर और ऑफिसर ऑफ द अपीलेंट और एप्लीकेंट। सर जो ये लॉ है ये बिल्कुल लगभग इनकम टैक्स लॉ की तरह से आप मान के चलिए कि जैसे आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई इनकम टैक्स का केस नहीं सुन सकता क्योंकि उस पर बार है, आपको जाना पड़ेगा तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाएंगे कि भी आप असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जाएंगे, सीआईटी अपील के पास जाएंगे, सीआईटी अपील से फिर आप ट्रिब्यूनल जाएंगे और ट्रिब्यूनल से फिर आप जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है कि आप जो है सबसे पहले आप रेरा अथॉरिटी के पास जाएंगे, रेरा अथॉरिटी से आप रेरा ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, वहाँ से हाई कोर्ट और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट। कोई भी सिविल कोर्ट जो भी है वो कोई भी सूट जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकता जो मैटर जो रेरा अथॉरिटी के या रेरा ट्रिब्यूनल के या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के जो है अधिकार क्षेत्र में आता है, और ना ही कोई वो स्टे ग्रांट करेंगे किसी भी तरह का। सर इसके बाद में जो है अगर कोई भी क्रिमिनल केस फाइल होना है तो ऐसी पनिशेबल जो भी कोई ऑफेंस किया कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट, तो ऐसी स्थिति में उसकी पावर केवल और केवल रेरा अथॉरिटी को है या उसके कोई ऑफिसर को है जो कि जाकर केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट प्रमोटर, होम बायर, एजेंट, और जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उससे कम की वो जो है वो केस को नहीं सुनेगा। सर यहां तक की कोई क्वेरीज हो तो बता दीजिए। नितिन जी सर एक इम्पोर्टेंट क्वेरी आई है, थोड़ा चैट में है, मैं पढ़ रहा हूँ। बताएं सर। NBFC denied to pay installment to builder on the percentage on the basis of percentage of completion. जी। Even demand letter raised against the allottee. अब द्वार से क्वेश्चन रीज कीजिए प्लीज। If NBFC denied to pay installment to builder on the basis of percentage of completion. Even demand letter raised against the allottee. जी। By the builder. जी। What should the action taken by the allottee? देखिए। ये मैटर जो है ना इसमें रेरा का कोई जो है रेरा के किसी प्रोविजन का डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। ओके। तो ये रेरा के अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है सर। और कोई क्वेरी हो तो नितिन जी। योगेश भाई हम एक काम कर रहे हैं, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है हम रेज अ हैंड करके ना कोशिश करते हैं कि वो सारी क्वेरीज मेंबर्स पूछ लें आपसे। चलिए तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में पहुंच रहा हूं। ठीक है। आप अपनी प्रेजेंटेशन पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैं चाहूंगा बस। मैं अब मैं शुरू में आ रहा हूँ रेरा अथॉरिटी के ऊपर। हाँ, जो भी है प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके उसके बाद हम रेज हैंड करा के क्वेश्चंस पूछ ले, जो भी होंगे वो रिजॉल्व करा लेते हैं। सर अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, जो हमने शुरू में बताया था कि पांच पार्ट हैं इस रेरा एक्ट के। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 20 में हुआ था और गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है कि कौन कौन लोग इस रेरा अथॉरिटी के अंदर होंगे। इसमें एक चेयरमैन होगा और एक बाकी मेंबर्स होंगे और उनका अपॉइंटमेंट जो है एक हाई पावर कमेटी करेगी जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कम से कम जो है मेंबर होंगे और बाकी भी जो है सेक्रेटरी लेवल के बंदे होंगे जो कि सिलेक्शन करेंगे रेरा अथॉरिटी के मेंबर्स का। तो उन सब तो हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की, राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखिए जब सेक्शन 4 में मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था तो
वो मेरी एप्लीकेशन जाती है रेरा अथॉरिटी के पास में, तो सेक्शन 5 में विद इन 30 डेज उनको जो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर उसमें कोई क्वेरीज हैं तो मुझे नोटिस इशू करेंगे, नोटिस अगर मैं ठीक कर देता हूँ क्वेरीज को तो मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे, और अगर जो है वो मैं नहीं करा पाता हूँ तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। तो ये काम जो है ये रेरा अथॉरिटी का काम है कि रजिस्ट्रेशन करने का, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी वही करेंगे, एजेंट का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और रजिस्ट्रेशन की फीस भी वही डिसाइड करेंगे। मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम जो है रजिस्ट्रेशन का टाइम वो कंप्लीट होने जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो एक्सटेंशन का की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो रेरा अथॉरिटी, अगर मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ एक्सटेंशन के लिए तो वो एक्सटेंशन करके देंगे अगर मेरे पास रीजनेबल कॉजेज है, और नहीं है तो वो मना कर सकते हैं एक्सटेंशन करने के लिए। इसके अलावा जो भी मेरा क्या बोलते हैं जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, अगर मैं रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करता हूँ या मैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर प्रैक्टिसेस में लगता हूँ या इरेगुलरिटीज में लगता हूँ, तो ऐसी स्थिति में वो रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं। और एजेंट को जो हमने रजिस्ट्रेशन दिया है रेरा अथॉरिटी ने, वो रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कर सकते हैं या फिर उसको इनवोक रिवोक कर सकते हैं, ये भी पावर रेरा अथॉरिटी को ही है। इसके अलावा जो रेरा अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या है कि रेरा की वेबसाइट मेंटेन करने की जिम्मेदारी रेरा अथॉरिटी की है, कि जितने भी प्रोजेक्ट्स उसके जो है पास रजिस्ट्रेशन होने के लिए आए हैं हर प्रोजेक्ट का वो एक डिटेल जो है एक अलग पेज सेपरेट पेज मेंटेन करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, जो भी एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर जो है आप उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप ड्यू डिजिलेंस वाला वर्क भी कर सकते हैं, तो वो आप रेरा की वेबसाइट देख के भी कर सकते हैं। जो भी प्रमोटर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के उनका फोटोग्राफ जो है वो रेरा की वेबसाइट पे मिलेगा आपको, जो जो भी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन दिए हुए हैं उन्होंने और जो जो भी रिवोक किए हुए हैं वो भी सारी डिटेल जो है वो सारी रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पर मिलेगी। जिन प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने पेनल्टीज लगाई हैं वो भी सब आपको इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। जितने भी एजेंट उन्होंने रजिस्टर्ड किए हुए हैं वो उनके फोटोग्राफ और जिन रजिस्ट्रेशन को उन्होंने डिबार किया है या जिनके रजिस्ट्रेशन उन्होंने रिवोक किए हैं वो सारे वहां मिल जाएंगे। कि रेरा अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रमोटर है अलॉटी है या रियल एस्टेट एजेंट है वो रूल्स एक्ट रेगुलेशन को माने, ये सारी ये कंप्लायंस कराने की जिम्मेदारी रेरा अथॉरिटी की है। जो रेरा अथॉरिटी ऑर्डर दे रही है डायरेक्शन दे रही है उनको कंप्लायंस कराने की जिम्मेदारी भी रेरा अथॉरिटी की है। इसके अलावा रेरा अथॉरिटी जरूरी नहीं है कि वो मतलब हियरिंग करके ही केसेस खत्म कराए, या आपस में आपसी सहमति से भी कंसिलेटर के थ्रू जो है वो मतलब इनकी मैटर्स को सॉल्व करा सकती है, वो वन और मोर ज्यादा मतलब कंसिलेटर अपॉइंट कर सकती है। कंसिलेटर का मतलब होता है जैसे आपका पंच फैसले वाली बात हो जाती है कि जहां पर बिल्डर की साइड से भी लोग बैठते हैं और जो RWAs बनी हुई है उनके साइड से भी लोग बैठते हैं और वहां आपका मैटर जाता है, आपस में बात करके वो मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रेरा अथॉरिटी जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर सकती है जो कि कंपनसेशन को जो है अवार्ड करते हैं। रेरा अथॉरिटी की जिम्मेदारी ये है कि जब वो बन जाए तो विद इन 3 मंथ्स जो है वो रेगुलेशन फाइन कर दो। ठीक है, इसके अलावा लैपटॉप में हेलो 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 हाँ नितिन जी, कोई थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हेलो हेलो योगेश जी प्लीज आप कंटिन्यू। रेरा अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जब शुरू शुरू में हमने देखा था कि भी इनको एक तो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, एफिशिएंसी लानी थी और एक हेल्थी एनवायरनमेंट ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए एक हेल्थी एनवायरनमेंट जो है वो ग्रो करना है डेवलप करना है, तो ये रिकमेंडेशन देंगे स्टेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कि हम किस तरह से जो है ये एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी ग्रोथ प्रमोशन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा रेरा अथॉरिटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी कि किस तरह से अलॉटीज प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। इनका ये अपनी जो है एनकरेजमेंट ये अपनी रिकमेंडेशन देंगी कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर
इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह से दी जाए अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को, जो हाउसिंग है कंस्ट्रक्ट हो सके। इसके अलावा ये एक मैकेनिज्म लेकर आएंगे कि प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग हो सके, जिससे कि जो प्रोस्पेक्टिव होम बायर है, इन्वेस्टर है, वो ये देख सके कि किसमें जो है पैसा लगाना उसका सेफ है और जो वो उसका नुकसान ना हो। इसके अलावा कोई भी आपको कंप्लेंट फाइल करनी है रेरा अथॉरिटी के पास में या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास में, तो वो जो फॉर्मेट उन्होंने दिए हुए उसमें आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और 1000 रुपये की फीस लगती है उसके अंदर। रेरा अथॉरिटी के सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, कोई भी मैटर आता है, तो उसे विद इन 60 डेज उसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, अपना जो है ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेरा अथॉरिटी भी जो है एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, और जुडिशियली के ऊपर ये जो प्रोविजन है टाइम बाउंड वाले ये लगते नहीं है। इसके अलावा रेरा अथॉरिटी जो है वो सारी पावर सिविल कोर्ट की है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, वो सारी जो है पावर है। और इसके अलावा रेरा अथॉरिटी को जो है इंटरेस्ट लगाने की, पेनल्टी लगाने की भी पावर्स है। अब जो रेरा अथॉरिटी ने ऑर्डर दिए हैं, कोई भी जो है कोई भी डायरेक्शन दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप उससे जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो रेरा अथॉरिटी के आप जो है उसके अगेंस्ट में रेरा ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। बस मेन चीज जो है इसमें देखने वाली रेरा ट्रिब्यूनल के अंदर ये है कि रेरा अथॉरिटी के अंदर भी आप जो है अपील फाइल करेंगे तो वहां भी फीस 1000 रुपये की आपको सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन एडिशनली जो प्रमोटर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए कुछ कंडीशन और भी हैं जो उन्हें अपील फाइल करते समय फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या क्या है कि एडवांस डिपॉजिट की कंडीशन है सेक्शन 43(5) के अंदर कि सबसे पहले तो फाइलिंग फीस जो है वो सबके लिए सेम है, 1000 रुपये की फाइलिंग फीस है यूपी के अंदर, यही फीस उत्तराखंड के अंदर 5000 रुपये की है, अदर स्टेट्स में भी लगभग 1000 रुपये की फीस रखी हुई है ज्यादातर स्टेट्स में। अब बिल्डर को एडवांस डिपॉजिट क्या कराना है कि अगर वो उसके ऊपर रेरा अथॉरिटी कोई पेनल्टी लगाती है तो मिनिमम 30% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट या हायर अमाउंट, जैसा कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करे, वो जो है उसे पहले जमा करानी पड़ेगी अपनी हेयरिंग कराने से पहले। अगर रेरा अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है रिफंड का, तो रिफंड में जो है रिफंड, क्योंकि रिफंड देती है तो हो सकता है कि रिफंड के साथ इंटरेस्ट भी देना हो, कंपनसेशन भी देना हो, जो भी चीजें हैं, तो उसे 100% अमाउंट जो है वो जमा करानी पड़ेगी ट्रिब्यूनल के अंदर, तभी उसकी केस की हेयरिंग होगी। अगर केवल इंटरेस्ट या कंपनसेशन का ऑर्डर किया है तो भी जितनी अमाउंट बैठेगी उसका 100% जो है वो रेरा अथॉरिटी में, रेरा ट्रिब्यूनल में आपको जमा कराना पड़ेगा। और जो फिगर है ये तीनों चीजों की, इसका सर्टिफिकेट आप ही बनाकर देंगे, ठीक है। और नॉर्मली जो रेरा अथॉरिटी है और रेरा ट्रिब्यूनल है दोनों को ही 60-60 दिन का टाइम दिया हुआ है कि कोई भी ये मैटर है उसको 60 दिन की जो है वो आप खत्म कीजिए, लेकिन अगर रीजन रिकॉर्ड करेंगे तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो काफी कि कोर्ट प्रोसीडिंग होती है तो टाइम लगता ही है। सर मेरी तरफ से मेरी प्रेजेंटेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अगर चाहे तो मैं एक आधी चीजें और बता देता हूँ। योगेश जी, यदि कोई इंपॉर्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशन से रिलेटेड है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्वेरी सेटल करा देते हैं, जो क्वेरी सेटल करने में रेरा इंपॉर्टेंट है क्वेरीज के लिए। ठीक है सर, तो क्वेरीज ले लेते हैं, क्वेरीज ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो मैं वन बाय वन जिनके रेज हैंड हो रहे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे पार्टिसिपेंट से, यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो डायरेक्ट आप अपनी क्वेरीज पुटअप कर लें। जिसका मैं रेज हैंड कर रहा हूँ, मैं चूंकि नाम सारे विनय मित्तल हो चुका आपके, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ विनय मित्तल बहुत सारे आगे हैं, तो मैं एक एक अनम्यूट कर रहा हूँ। आप प्लीज अपनी अपनी वन बाय वन आप अपनी क्वेरी कर लें। पहले राजू शाह जी प्लीज पुटअप योर क्वेरीज। हेलो राजू शाह जी, आर यू लिसन टू मी? हेलो राजू शाह जी, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि इसमें एस्क्रो अकाउंट जरूरी है क्या? अभी योगेश जी अपनी जरा पीपीटी बंद कर दीजिए, प्लीज पीपीटी बंद कर दीजिए योगेश जी। जी सर, और डायरेक्ट फोटो आ जाएगा उनका जो क्वेश्चन करेंगे, प्लीज राजू जी। राजू जी देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें अभी एस्क्रो अकाउंट खुलवाना जरूरी है क्या? एस्क्रो अकाउंट कंपलसरी है, बिना उसके तो आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलने का, आपको एक अकाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये हमारा एस्क्रो अकाउंट रहेगा।
और जो आपने एग्जांपल लिया था 70% का या जो आर्किटेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है उस हिसाब से विड्रॉल होंगे, उसको कुछ एग्जांपल सेट करके बताइए। मान लीजिए हमको कोई 20 लाख के प्लॉट में 10 लाख का एडवांस मिला है, तो उस 10 लाख को पहले हम 100% एस्क्रो अकाउंट जमा करेंगे, फिर उससे हम कंप्लीशन के हिसाब से पैसा निकालेंगे? नहीं, आप जितने पेमेंट आ रही है उसका 70% आप एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दीजिए, 30% आप अपने अलग अकाउंट में रख लीजिए। बाद में जो आपने जी 30% जो आपने अकाउंट में रखेंगे ये हमारे पर्सनल यूज या बिजनेस यूज के लिए है? बिल्कुल। और रिमेनिंग 70% में से विड्रॉल कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में होगा? जी बिल्कुल। थैंक यू योगेश जी। थैंक यू। नूर हसमी जी, प्लीज प्लीज पुट योर क्वेश्चन। नूर हसमी जी। सर सर इको हो गई है सर। हाँ यस। सर ये whether this act is applicable in the real estate of only plotting and selling of plot, not construction, not construction is involved in this? नहीं, सब पर सब पे प्लॉट का भी कर रहे हैं तो भी आपको जो है वो करना पड़ेगा सर। Construction is not is the part of the project, then it is applicable? बिल्कुल एप्लीकेबल है सर। सड़क बनाई होगी आपने, नालियां बनाई होंगी, कुछ तो बनाया होगा सर, बाउंड्री भी करके दी होगी। योगेश जी एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी सर। ये जो रेरा की कंप्लायंस होती है कि इतना परसेंट फंड, उस फंड को यूटिलाइज करने के लिए रेरा अथॉरिटी का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या? सर देखिए वो कर सकते हैं जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तो फिलहाल यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? सर देखिए ऐसा है ना, जब भी तो वो आपकी रिपोर्ट पर डिपेंड कर रहे हैं कि भी आपकी जिम्मेदारी है कि REG 5 के अंदर आप वेरीफाई करके देंगे कि जो चार सर्टिफिकेट हैं वो सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट कौन अटेस्ट करेगा इसको? स्टैच्यूटरी ऑडिटर REG 5 जो उसकी जिम्मेदारी है कि जो चारों क्वार्टर के सर्टिफिकेट आ रहे हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट ने दिया है, इंजीनियर ने दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो दिया है, वो सारे अकॉर्डिंग टू रेरा लॉ है नहीं है, उसी के हिसाब से जो है वो जो इन्वेस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है। ओके। आलोक गुप्ता जी, पुट योर क्वेश्चन। आलोक गुप्ता जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक्सटेंशन की बात करते हैं जो एक डेडलाइन दी आती है, तो ये रेरा अथॉरिटी कितनी बार एक्सटेंशन दे सकता है? देखिए एक्सटेंशन जो मैक्सिमम मिल सकता है वो 1 ईयर के लिए मिल सकता है, नॉर्मली वो 6-6 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं। 6-6 महीने की 2 बार। ओके। और ओसी और सीसी में पहले सीसी मिलता है फिर ओसी? देखिए क्या है कि ये अपना में बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर हो गया है, अगर नोएडा अथॉरिटी के अंदर देखूं तो वो सिंगल फ्लैट की भी ओसी दे रहे हैं आज की तारीख में, कि आपका प्रोजेक्ट इवन कंप्लीट नहीं है, प्रोजेक्ट तो बाद में कंप्लीट होता रहेगा, पहले आप फ्लैट ले लो। ठीक है, थैंक यू। भारत कुमार जी। हेलो भारत कुमार जी, प्लीज। हेलो, वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन हो गए प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस सबकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। हेलो भारत जी, प्लीज। हेलो जी सर। हाँ जी सर, इसमें कि जैसे इसमें वॉलंटरी कंप्लेंट्स फाइल करने का भी प्रोविजन रहता है रेरा एक्ट में, तो ये जैसे मान लो कि हाँ जैसे कोई आउटसाइडर किसी फ्लैट के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दे तो वो मेंटेनेबल होती है अथॉरिटी के सामने? क्योंकि कितनी बार ये सुना गया है, देखा गया है कि हाँ जी सर जी बताएं कि जो होम बायर्स होते हैं उन्हीं के लिए रेरा बना हुआ है, जैसे आउटसाइडर अगर कोई होम बायर नहीं है या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो उनकी कंप्लेंट्स रेरा में मेंटेनेबल नहीं होती, ये जनरली देखा सुना है। देखिए अगर मैं एक्ट की बात करूं, सेक्शन 31 कहता है एनी एग्रेव्ड पर्सन कैन फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द प्रमोटर, अलॉटीज और एजेंट। तो अब एनी एग्रेव्ड पर्सन तो कोई भी हो सकता है, और ये सभी एक्ट्स के अंदर होता है, आपने भी देखा होगा कि भी अगर सपोज कीजिए कोई ऑर्डर रेरा का इस तरह से आता है जिसमें इफेक्ट बैंक को पड़ रहा है तो बैंक नहीं आएगा पार्टी बन के। बिल्कुल सर, तो वो ऐसे मेंटेनेबल रहेंगी सही। देखिए आपको ऐसा है कि आप समझिए कि आपको समझाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू। अर्चित जी,
अर्चित जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सेक्शन 41LD में हमको 70% अमाउंट एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना पड़ता है, राइट जी। तो उसमें अब प्लॉटिंग के केस में हमारी मेजोरिटी लैंड कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी एक्वायर्ड कर ली होती है प्रमोटर ने और उसकी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर होती है, तो उस केस में भी 70% पैसा ब्लॉक होता है, तो वो अनड्यू इनजस्टिस नहीं है प्रमोटर के लिए? नहीं, ब्लॉक का करा रहे हैं सर, आप जो है जमा करो और हाथ का सर्टिफिकेट लेकर निकाल लो सर। बट जो डेवलपमेंट, अच्छा ओके ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एग्रीमेंट टू सेल जो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है वो सर कौन से रेगुलेशन में है? सर वो सेक्शन 13 में है और सेक्शन 13 के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने जो है वो एग्रीमेंट टू सेल नोटिफाई किए हुए हैं। काफी स्टेट्स के अंदर तो रूल का पार्ट है और कुछ स्टेट्स ने बाद में नोटिफाई किए हैं, तो आपको उसी फॉर्मेट में एग्रीमेंट टू सेल करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी और एग्रीमेंट, किसी और फॉर्मेट में आप एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर सकते। जो इंजीनियर और सीए के सर्टिफिकेट है उसमें वो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलता है, जो जब हम उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं उसमें वो लैंड कॉस्ट तो मांगता ही नहीं है, तो हम प्लॉटिंग के केस में जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे अगर उसमें हम लैंड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कम आएगा जिससे वो लैंड कॉस्ट का पैसा ब्लॉक रहेगा। अर्चित जी ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा क्योंकि इसको जो है ना बैठ कर ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर ही हो सकता है, पेपर पेन के साथ ही हो सकता है। बस लास्ट क्वेश्चन और कि अगस्त से पहले अगर हमें जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसको भी REG5 में दिखाना जरूरी है? नहीं, अगस्त से पहले नहीं, आपको तो REG5 में जो कट ऑफ डेट है वहां तक की डिटेल को आपको मैच कराना है। और उसके बाद जो पैसा रिसीव हुआ है उससे पहले जो पैसा रिसीव हुआ उसको 70% की लायबिलिटी उस पैसे पर है जो कट ऑफ डेट से पहले रिसीव हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। हर्षल जी हर्षल जी प्लीज अनम्यूट करिए, क्वेश्चन अपना पुट अप करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा सर, मैं आपको कर चुका हूँ, आप बार बार म्यूट कर रहे हैं अपने आप को। मैं अनम्यूट कर चुका हूँ सर आपको। हो गया हर्षल जी प्लीज। जी जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर जब सीए सर्टिफिकेट इशू करते हैं क्वार्टरली तो उसमें एक अमाउंट विड्रॉन का कॉलम पूछता है, वो तो अमाउंट विड्रॉन जो वो बेसिकली फॉर्मूला रहता है वो पूछता है अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन टिल डेट ऑफ दिस इशूइंग द सर्टिफिकेट। तो सर यदि प्रोजेक्ट में यदि मैंने खुद से फंड लगाया या मैंने लोन लेके फंड लगाया है, सपोज करो इट पास्ड फॉर्म ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो मैंने अमाउंट कम कलेक्ट किया है लेस से इट इज वेरी लेस और इट इज वेरी मियर, तो सर इसमें अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन टिल डेट में कौन सा अमाउंट आएगा सर? जो मैंने अमाउंट कलेक्ट किया है वो आएगा कि जो अमाउंट मैंने एक्चुअली स्पेंड किया है वो आएगा सर? सर देखो इसमें क्या है कि नॉर्मली आपको जो सर्टिफिकेट देना है वो कौन सी अमाउंट के लिए देना है, वो जो 70% जमा करा है उसके लिए ही देना है और उसी के लिए सर्टिफिकेट है आपका। मतलब मैंने भले ही मैंने स्पेंड मैंने जितना मेरा पैसा है उससे ज्यादा कर दिया है फिर भी मेरे को जितना पैसा मिला है से उतने का 70% का मुझे अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाँ कुशवा जी प्लीज, कुशवा जी प्लीज। योगेश जी एक मेरा क्वेरी है। जी सर। मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है। जी। मैंने लैंड को डेवलप किया, उसमें रोड बना दिए, ड्रेनेज सिस्टम, लाइट के पोल खड़े कर दिए, ठीक है सर, प्रॉपर उसकी बाउंड्री कर दी, ठीक है, जो उसमें फैसिलिटी मुझे देनी थी वो मैंने दे दी, ठीक है सर, राइट। उसके बाद मैं उसका सेल प्रोसीड शुरू कर रहा हूँ प्लॉट्स का। जी। तो ये सेल प्रोसीड क्योंकि मैंने सारा डेवलप करके उसके बाद कोई कमिटमेंट किसी को नहीं है, कोई मैं प्रोसेस ये अपनी कंडीशन नहीं बता रहा कि ये आपको देंगे, जो चीज आपके सामने है उसको मैं बेच रहा हूँ अब, ठीक है। तो क्या इसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? सर देखिए आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा सबसे पहले कि आपने जो डेवलप किया है क्या उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो नहीं मिलता। नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो आपको लोकल अथॉरिटी देगी। नहीं देती। नहीं, नहीं देती तो अगर वो प्लांड एरिया के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, प्लांड एरिया कैसे डिटरमाइन होगा? सर प्लांड एरिया का मतलब यह है कि जहां पर मैप अप्रूवल होता हो। ओके, इसके अगर ऐसा नहीं किया हमने बना के उसको एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करके 143 होता है जी सर, वो करा लिया, उसके बाद हमने उसको डेवलप कर लिया टाउनशिप के हिसाब से पूरा जो रिक्वायर्ड कंडीशंस बेसिक होती हैं जी, नीड्स होती है बेसिक नीड, वो सारी डेवलप कर दी, उसके बाद मैंने प्लॉटिंग शुरू कर दी। अब इसमें और कोई कंप्लेंट कौन कर सकता है? क्योंकि बायर तो लिख रहा है कि मेरी सारी चीजें जो मुझे बताई थी सारी कंप्लायंस है, क्योंकि बायर से सारा कंप्लीट होने के बाद हम सेल कर रहे हैं उसको।
सर कंप्लीशन पैसा एडवांस किसी ने नहीं लिया, जब तक अभी ले रहे पूरा पेमेंट, जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक जो है आप जो है वो वो जो है वो रेरा के लिए लायबल रहेगा। कंप्लीशन नहीं मिलेगा जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटी नहीं देगी तब तक वो रेरा के लिए लायबल है। अगर आप कंप्लीशन करके बेच रहे हैं तो फिर रेरा एप्लीकेबिलिटी नहीं हो, क्योंकि अब जो पांच कंडीशन है ना शुरू वाली बुक सेल जो वाली जो मार्केट एडवर्टाइजमेंट ये आप नहीं कर सकते। हाँ वो कुछ नहीं कर रहे हम जी, नहीं डेवलप करने के बाद तो कर सकते हैं ना सर, सर्टिफिकेशन जरूरी है। ओके थैंक यू थैंक यू। नितिन जी, नितिन कपूर जी जी, योगेश सर एक ये क्वेश्चन है, जो क्वार्टरली सर्टिफिकेट्स हम लोग देते हैं जी, दैट इज नॉर्मली डिपेंडेंट के आप आर्किटेक्ट और साइट इंजीनियर का सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप असेसमेंट करेंगे कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। अब नाउ वी आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड कि हम लोग वहां पे जाके साइट में स्क्वायर फीट मेजर्स करें या कितना कंप्लीट हो गया कितना नहीं, हम नहीं कर सकते। नाउ वो जो आर्किटेक्ट या साइट इंजीनियर है दे आर नॉर्मली हायर्ड बाई डेवलपर्स ओनली, सो हाउ फार वी कैन गो टू द एक्सटेंट कि हम उनके सर्टिफिकेट्स को रिलाई करें। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब तो कुशवाहा जी ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं, मित्तल साहब ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं कि वो हमारा एक AAS है वर्क सर्टिफाइड बाय अदर, सर बताएंगे जरा इसके बारे में। हेलो जी मित्तल साहब, बाद में ले लेंगे अभी। अच्छा अभी कंसीडरेशन इस पर मैटर बनना है, इनका क्वेश्चन आप मुझे मेल कर दीजिए, मेरी मेल आईडी नोट करिए bncgzb@gmail.com, इसमें मैं सब सबमिशन दे दूंगा आपको कि वर्क एसोसिएशन कैसे, पूरा गाइडेंस नोट है, पूरा गाइडेंस नोट में पूरा उसको पूरा बताना पड़ेगा कि भी आप आपको किस तरह से आप दूसरे के वर्क पर गाइडेंस नोट भी है पूरा। जी 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 ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, दूसरे पार्टिसिपेंट अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। हेलो दूसरे पार्टिसिपेंट अपने आप को अनम्यूट कर लें, जिसका क्वेश्चन है वो अपना अपने आप को अनम्यूट रखें ताकि डिस्टरबेंस खत्म हो जाए प्लीज प्लीज। हरिओम जी। यस सर। जी सर। सर मेरा अपना एक क्लाइंट का केस है, यूपी रूटीन है, एक ऑर्डर पास किया और 31 जुलाई 2019 तक वो या तो पोजीशन दे या फिर वो विद इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आएगा और पोजीशन दे दे, यदि वो पोजीशन नहीं देता तो आप उसकी कंप्लेन दोबारा रिफंड के लिए फाइल कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक कंडीशनल ऑर्डर पास किया। उसके बाद उसकी हेयरिंग लगती रही तो वो जो सचिव जी के पास लगी तो सचिव जी ने कहा, बार बार उनको बुलाया और बुलाने के बाद उसको इंटरेस्ट के लिए बोला कि भाई ये इंटरेस्ट इतना बनता है और आप ये इंटरेस्ट दिया, उन्होंने प्रॉमिस किया प्रमोटर ने कि ये इंटरेस्ट मैं 1 महीने में दे दूंगा 2 महीने में, लेकिन अभी तक वो उनका कंप्लाइंस नहीं हो कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इस टाइम। सेक्रेटरी साहब से बोलो 63 की पेनल्टी लगाएंगे उनके ऊपर, उनको भी लेकिन लगा नहीं रहे जी, बार बार कही जाती है बात, हर बार कही जाती है लेकिन वो लगा ही नहीं रहे उनको। वो तो सर आप जब जाके 2-4 बार जाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, ओके थैंक यू। हेलो जी सर, मैं अग्रवाल बोल रहा जी, बताइए मेरा एक क्वेश्चन किसके एलिमेंट होता है। आवाज सर क्लियर नहीं आ रही जरा प्लीज। सर एनिमेश बोल रहा, आवाज आ रही है जी सर। आनी हेलो जी जी सर, जेबी एग्रीमेंट जब होता है तब रेरा बोलती है कि एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए जी, डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब लैंड ओनर अलग होता है और बिल्डर अलग होता है जी, है ना, तो जो लैंड ओनर का पैसा है वो भी रेरा को क्वांटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो लैंड ओनर अपना पैसा बिल्डर के अकाउंट में कैसे डालेगा, और या तो दोनों का अकाउंट अलग अलग है तो दो अकाउंट उसमें कैसे इंसर्ट होंगे रेरा। दो अकाउंट का तो कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है, अकाउंट तो एक का ही इन्होंने प्रोविजन बनाया हुआ है और आपको उसी से ही मैनेज करना पड़ेगा जी,
क्योंकि ऐसा ना जो क्योंकि ये अकाउंट जो है वेबसाइट पे भी डिक्लेयर करना होता है, रेरा की वेबसाइट पे भी आता है कि इस अकाउंट में आप पेमेंट करेंगे, तो अभी तक कोई ऑप्शन आया नहीं है कि दो बैंक अकाउंट का। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा सर, लैंड ओनर का पैसा कैसे अपन डालेंगे, कैसे क्लाइंट को कैसे अपन देंगे? नहीं देखिए, आपके पास जो भी पैसा आएगा वो 30 और 60, तो 30% वाला आप पे कर दीजिए लैंड ओनर, लैंड ओनर को और क्या कर सकते हैं सर? सपोज अगर शेयर 60-40 है या 65-35 है, कुछ भी अदर शेयर्स हैं, तो लैंड ओनर तो बोलेगा मुझे तो मेरा पैसा पूरा चाहिए, मेरे अकाउंट में चाहिए, मैं आपके नाम से चेक ले लूंगा, मेरे नाम से चेक लेके मेरे पास नहीं जाऊंगा। देखिए जो रेरा का पर्पज ये है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, तो उनको पहले देखना है आपका, नहीं ठीक है ना, आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को। सर हम रेरा के पर्पज से मैनेज करने के लिए तैयार है, पर बैंक जो है वो एक ही के नाम से अकाउंट खोलेगा, जो भी कंप्लायंस है रूल्स है वो कंप्लाय करने के लिए, पर अगर बैंक दो नाम से अकाउंट नहीं खोलेगा तो वो चेक दोनों के उसमें नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप भी बताइए सर? एमपी से बोल रहा हूँ। एमपी से बोल रहे हैं? एमपी। तो बेटर ये है कि आप जो है अपनी प्रॉब्लम लिख के और एक वहाँ की जो कंसर्न रेरा अथॉरिटी है उनसे क्लेरिफिकेशन मांग लीजिए कि हम क्या करें। सर हमने क्लेरिफिकेशन मांगा था, बस वो होता है कि हमारा अकाउंट होना चाहिए और एक ही अकाउंट रहेगा। बिल्कुल यही लॉ की पोजीशन है। सर एक छोटी सी क्वेरी जेवी के अंदर ये है, जैसे लैंड की कॉस्ट जो डिटरमाइन होती है, जब जेवी एग्रीमेंट है तो लैंड ओनर की कॉस्ट कुछ और होगी, सपोज 2 लाख है उसकी रजिस्ट्री वैल्यू, और बिल्डर के लिए वो जब सीए सर्टिफिकेट तैयार होगा तो लैंड की कॉस्ट क्या लेंगे, जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो कुछ नहीं है। देखिए आपके यहाँ पर कुछ अलग प्रोविजन है एमपी में, मैंने सुना था, तो आप वहां से चेक कर लीजिए, शायद आपके यहाँ वो करंट वैल्यू अलाउ करी की हुई है सर्टिफिकेट के अंदर, तो आप एक बार अपने रूल्स रेगुलेशन देख लीजिए। एक रेरा ने नोटिफिकेशन दिया था उसमें कॉस्ट पेड फॉर लैंड, अब कॉस्ट पेड तो रजिस्ट्री वैल्यू होगी सर, पेड अमाउंट तो नहीं। पेड का मतलब क्या हो गया, आप जो पे कर रहे हैं, तो अगर अब जो आप पे कर रहे हैं तो फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा सर। जेबी एग्रीमेंट में नॉर्मली तो क्या होता है सर, शेयर्स डिटरमाइन हो जाते हैं कि मेरे 60% प्लॉट बिल्डर रख लेगा, 40% प्लॉट लैंड ओनर रख लेगा, उनका मैं वन बाय वन अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। चैट में जो क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन अनअटेंड रह गया है तो प्लीज रेज हैंड कर दे। योगेश जी कुछ क्वेश्चन मेरे पास यूट्यूब पे, मेरे पास 10-15 केस आए हुए हैं। ठीक है सर, बताए। हेलो, मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं अभी आपको क्वेश्चन। जी सर, आप वन बाय वन क्वेश्चन कर ले, पहले रेज हैंड तक खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन ये वाला, जिनके क्वेरीज अभी। जी जी, ये चूंकि क्वेरी सेटल्ड होना ज्यादा बेटर है। आशीष जी प्लीज पुट योर क्वेश्चन। हां सर, मेरा ये क्वेश्चन जो क्लाइंट की तरफ से है, एक क्लाइंट बिल्डर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2012 में। जी सर, एग्रीमेंट हुआ था 2017 तक उसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने के लिए। ठीक है, इसमें इस दौरान में क्या हुआ, क्लाइंट ने अपना लोन सेंक्शन कराया, पूरा पेमेंट बिल्डर को दे दिया। इस दौरान 2016 में रजिस्ट्री भी हो गई, सारी चीज हो गई। ठीक है, बट प्रेजेंट सिनेरियो में देखता हूँ ना तो प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ ना ही पजेशन मिला। इस केस में क्लाइंट को क्या सजेशन देना चाहिए, मतलब और बिल्डर का इंस्ट्रक्शन पार्ट अभी पड़ा हुआ है, नॉट कंप्लीट। एक तो रजिस्ट्री हो चुकी है आप बता रहे हैं? जी देखिए, रेरा अथॉरिटी नॉर्मली यूपी रेरा अथॉरिटी तो ये मान के चलती है कि भी अगर किसी भी केस में रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा, वो रजिस्टर्ड वो प्रोजेक्ट जो है वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है ये बताइए। हां, रेरा रजिस्टर्ड है। डेरा रजिस्टर्ड है तो आप जो है आरडब्ल्यूए बना के उसमें केस फाइल कर दीजिए कि भी ये कंप्लीट कर रही है। ठीक है, मतलब उसमें एक भी फ्लैट कंप्लीट ना हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सारे इनकंप्लीट है।
जो भी है वो आप जो, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि अगर जो है ये रेरा अथॉरिटी में चलती है भी, आपने रजिस्ट्री जब कराते हैं आप, तो आप सारी टर्म कंडीशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब कराते हैं। ओके, तो अगर आप या तो फिर आप जो है कंज्यूमर फोरम के अंदर चले जाइए, ठीक है, वरना फिर आप आरडब्ल्यू बना के रेरा के पास चले जाइए, भाई ये कंप्लीट कराइए। ठीक है, थैंक यू। विशाल जी प्लीज पुट योर क्वेश्चन। विशाल दुलानी जी। गुड आफ्टरनून सर। सर एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, यहाँ मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कुछ गांवों में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए सपोज मेरे पास 6-7 एकड़ जमीन है, और आजकल जैसे फार्म हाउस का बहुत ज्यादा क्रेज चल हो गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि 8 एकड़ का जमीन है उसको 10,000 square feet में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, और ज्यादा कुछ डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहे, और अपनी सिस्टर कंसर्न को प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल बनाने के लिए वहां दे रहे हैं और 10,000 foot काट के ऐसे बेच दे रहे हैं, और लैंड की जो रजिस्ट्री हो रही है वो ऐसे एग्रीकल्चर लैंड सेल ही करके दिखा रहे हैं उसको, मतलब एग्रीकल्चर लैंड मैंने परचेस किया था गांव पे 7 एकड़ 10,000 foot पे उसको डिवाइड किया, दूसरी अब मेरी सिस्टर कंसर्न फर्म से उसका प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल बनाया और बेच दिया, तो अब इस केस में रेरा की एप्लीकेबिलिटी क्या आती है? देखिए सबसे पहले तो आप बेसिक चीज पे जाइए, सेक्शन 3 पर जाइए, सेक्शन 3 की अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप रेरा के अंदर आएंगे वरना नहीं आएंगे। एक बार रिपीट कीजिए सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई। सेक्शन 3 को देखिए, अगर वहां उसमें कवर हो रहे हैं तो रेरा के अंदर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी बात सुन के कि वो कोई प्लांड एरिया के अंदर आप ये सब चीजें कर रहे हैं। हां सर, ऐसा कोई प्लांड एरिया तो नहीं है वो, बस तो रेरा नंबर ऑफ, हां तो इसमें रेरा नहीं होगा, रेरा की एप्लीकेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आपके पूरे फैक्ट्स पता नहीं है, लेकिन जितने फैक्ट्स मैं समझ पा रहा हूँ उनके हिसाब से तो बनती है। फैक्ट्स यही है और कुछ फैक्ट्स नहीं है, 10 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ जमीन, बस बस बस, ठीक है, प्लान का बेच दिया और वहीं कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके, हेलो हेलो योगेश, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी जी, ये yes, पूछा था आपने सेक्शन 13 के बारे में बताया था कि अगर रेजिडेंशियल है प्लॉट तो 10% लेके एग्रीमेंट टू सेल होता है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा बिल्डर को अलाउ नहीं है लेना 10, या ले सकते हो 10% से ज्यादा? जब ले सकते हैं पहले एग्रीमेंट टू सेल कर ले, पहले एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, ये एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्री कंपलसरी है, रजिस्टर्ड होना लोकल लोकल लॉज के हिसाब से कंपलसरी है, और वो दैट 2% चार्ज विल हैव टू बी पेड बाय अलॉटी। या ये तो बाद में जो जब आप रजिस्ट्री कराओगे तो उतना ही स्टैंप ड्यूटी कम लगेगी। अच्छा, उतनी कम लगेगी, ओके ओके, बट जनरली बिल्डर देते नहीं है, वो एक एक कॉपी ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं साइन करा के, रजिस्ट्रर नहीं कराते। देखिए ऐसा है कि रेरा लॉ जो है बहुत ज्यादा अभी लोगों को पता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके ओके, थैंक यू। योगेश जी। जी सर, एक क्वेश्चन है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल साइन नहीं होता है तो उस केस में क्या एलओटी की क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं और बिल्डर की क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं? अगर एग्रीमेंट टू सेल साइन नहीं होता है तो बिल्डर की क्या, 3-4 साल हो गए हैं एप्लीकेशन फाइल के हुए या सब करा हुआ एप्लीकेशन दिए हुए, लेकिन आज तक एग्रीमेंट टू सेल साइन नहीं हुआ। एग्रीमेंट टू सेल साइन नहीं हुआ जी, मतलब बिल्डर ने नहीं कराया, आपने नहीं कराया, बताइए। तो दोनों ने नहीं करा करके जो है नहीं हुआ करके, और प्रोजेक्ट शुरुआत शुरुआत में तो प्रोजेक्ट की पोजीशन ये थी कि 3-4 साल का प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। ओके, बाद में प्रोजेक्ट चालू हुआ तो मालूम नहीं पड़ा, तब ये हुआ ठीक है कि बैकआउट करना है, बाहर निकलना, पैसे मांगने, वापस करने हैं, तो ना उन्होंने कुछ किया, मेल आई डी चेंज हुई, मालूम नहीं पड़ा करके, तो अब प्रोजेक्ट तो बन गया है, तो अब उस केस में क्या होगा? बिल्डर ने उल्टा सीधा इंटरेस्ट से उस पर चार्ज करना शुरू कर दिया। आप रिफंड मांग लीजिए रेरा में केस फाइल करके, रेरा में केस फाइल करके रिफंड मांग ले, मांग सकते हैं सर। मेरे इंटरेस्ट पे करेगा रेरा, इंटरेस्ट दिलवाएगा, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए सर। थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रेरा में कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक दिया जाना जरूरी है और नोटिस भी दिया जाना जरूरी है, बट जो आपने भी बताया था कि 1 lakh और 2 lakh के कुछ नोटिसेस इशू हुए थे, वो सर डायरेक्ट ऑर्डर हुआ था और उसके बाद उसका कोई रिकोर्स क्या होगा सर? मतलब जो 1 lakh और 2 lakh की पेनल्टीज इशू हुई थी फॉर नॉन अपडेशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट, उसका सर ड्यू रिकोर्स क्या होगा, क्योंकि वो कोई भी नोटिस तो आया नहीं था और डायरेक्ट ऑर्डर आया था वो।
तो ऐसी स्थिति में आप जो है टर्मिनल में 30% जमा करा के, मिनिमम 30% जमा करा के अपील फाइल कीजिए। सर अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि उस नोटिस को 6-7 महीने हो गए, अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है रेरा की तरफ से, ऐसे केस में क्या करना चाहिए? आपके पास कोई पहले तो RTI लगा के जो है देख लीजिए कोई आपके ऊपर, जो क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो उन्होंने डाला हुआ है। हाँ सर, एनुअल रिपोर्ट में आ रहा है उनकी, मैंने देखा रिपोर्ट में आ रहा है ना। हाँ तो आप जो है RTI के थ्रू उनसे मांग लीजिए कि भाई ये क्या है, आपने जो ऑर्डर पास किया कुछ कराया नहीं किया, वो दे देते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट में आप जो है टर्मिनल में चले जाइए। योगेश जी पहले ये YouTube पे क्वेश्चन आए हुए हैं, YouTube पे हमारे 100 प्लस मेंबर ऑडिबल है, देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं कंटिन्यू, तो प्लीज रीड कर लीजिए, आपको रीड हो रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आपको जग रहा उनका जवाब दे दीजिए, थोड़ा फास्ट कर दीजिए प्लीज। सर मुदित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ऑलरेडी मेरी PPT में अपलोड हो जाएगा, जनरल क्वेश्चन है तो दे देंगे, ठीक है। रमन बजाज जी पूछ रहे हैं कि मेरे पास 200 स्क्वायर मीटर का इंसेंट्रल लैंड है और मैं इसको पीसीज में सेल करना चाहता हूँ, मैं जो है अगर पीसीस में सेल करना चाहता हूँ लैंड को, तो अगर मैं कुछ भी डेवलप नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवांस किसी से नहीं ले रहा हूँ, सीधी जो है मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से नहीं बनता फिर इसमें, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मदित अग्रवाल जी, शिवम नॉट ऑडिटेबल, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही है। सीए शिवम भाटी जी कह रहे हैं कि इज देयर एनी लिमिट थ्रेशोल्ड आल्सो फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर्ड, वेलकम टू लाइव चैट, ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आगे देखिए, ठीक है। मदित अग्रवाल, इफ ए कंज्यूमर बुक्ड ए फ्लैट इन 2014 एंड एट द टाइम नो एग्रीमेंट वाज गिवन टू हिम, टिल डेट नो पोजीशन इज गिवन, व्हाट कैन बी डन अगेंस्ट द बिल्डर, द बिल्डर इज रजिस्टर्ड UP रेरा, केस फाइल हो जाएगा इसमें तो, ठीक है। शिव भाटिया, शिव भाटिया, वेदर एजेंट्स देमसेल्फ हैव टू गेट रजिस्टर्ड और इट इज ड्यूटी ऑफ टू प्रमोटर टू गेट द एजेंट रजिस्टर्ड, एजेंट्स को खुद रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और प्रमोटर को बताना पड़ेगा, प्रमोटर तब अपने यहाँ रिकॉर्ड में उसको लेगा, ठीक है सर। वेदर अनसिक्योर्ड लोन टेकन टू बी कंसीडर्ड फॉर 70% कैलकुलेशन, अनसिक्योर्ड 70% कैलकुलेशन केवल अलॉटी से पेमेंट आ रही है उसको देखना है, ठीक है सर। फिर तीसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अंशुल मुद्रा जी का ही, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर जी इसको, ठीक है लीजिए प्लीज लीजिए। वेदर आर वेरिएशन इन सर्टिफिकेट लेट आउट गिवन बाय द अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट, Some are including land cost and internet costs. देखिए ये क्योंकि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है तो उन्होंने अपने हिसाब से नोटिफाई की है, इसमें मैंने कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। How it is practically possible to obtain certificates for each and every withdrawal? जी ये है संकेत पाहुजा, पाहुजा जी, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फॉर ईच एंड एवरी विड्रॉल फ्रॉम बैंक? देखिए आपको क्वार्टरली उन्होंने कहा हुआ, या तो क्वार्टरली निकाल लीजिए वरना फिर आपको हर पेमेंट पे जो है एक सर्टिफिकेट निकाल लेना पड़ेगा। हाउ मच इज रजिस्ट्रेशन फीस फॉर रियल एस्टेट एजेंट? रियल एस्टेट एजेंट की फीस में जो है अगर आपका आप इंडिविजुअल हैं तो 25,000 है रजिस्ट्रेशन फीस, इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई और है तो आपको 2.5 लाख रुपये फीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए जी। ये मोदित अग्रवाल जी का आई एम यूट्यूब, ये कुछ जनरल क्वेश्चन है। सनी केशरी जी कह रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन वेट, ठीक है। पीयूष केशरवानी, वेदर इट इज कंपलसरी टू अपलोड फॉर्म 3 एवरी क्वार्टर? यस, ये जरूरी है, आपको बताना है कि कितना आपने काम किया पिछले क्वार्टर के अंदर, ठीक है सर। नाउ फिर मोदी साहब, हां, एक कंज्यूमर बुक फ्लैट 2014, नो एग्रीमेंट वाज गिवन टू हिम, डेट नो पोजीशन, आप जो केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है सर, ये हो गए सारे, ये हो गए सर, मैं शेयर कर रहा हूं। अभी हमारे अर्चित जी आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपका लॉ एंड कर रहा हूँ। राजू शाह, राजेश शाह जी आपका कोई क्वेरीज रह रही है तो प्लीज एक सिंगल शॉट में कर लीजिए, चूंकि सबकी क्वेरीज हमें लेनी है। सर ये एंसेस्ट्रल लैंड यदि है उसपे भी प्रोजेक्ट डेवलप करें, जो लैंड आज से करीब 50 साल पहले या 60 साल पहले की है जी जी, तो इस लैंड पे यदि हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो इसकी एक तो कॉस्ट कैसे एस्टिमेट की जाएगी नंबर वन, और नंबर दो इसमें वो 70% वाला क्लॉज कैसे लगेगा? देखिए पहले तो आप देखिए कि आप अगर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं जी, तो 75% वाला जो क्लॉज है वो तो आपको ये है कि जो भी अलॉटी से पेमेंट आएगी 70% की वो एप्लीकेबल होगी। बात एक कॉस्ट की, तो कॉस्ट तो वो कह रहे हैं कि जो भी आपने एक्चुअली स्पेंड किया है 50 ईयर्स का, तो इसमें तो आपको रेरा अथॉरिटी से क्लेरिफिकेशन लेना पड़ेगा, इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। सर एक्चुअली वो एंसेस्टर लैंड ऐसी है कि जो उनके फोर फादर के जमाने की है, आज की डेट में लैंड की कॉस्ट करीब 100 करोड़ रुपए है,
लेकिन अब यदि उससे प्रोजेक्ट हाउसिंग प्लॉटिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो जो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो क्या हम जैसे इनकम टैक्स में हम 2001 का जो कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन है वो ले लेते हैं तो क्या हम उसी कॉस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो है आपको जो है इसके लिए रेरा से कलेक्ट क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। ओके 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 थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है भवानी मालपानी जी, भवानी मालपानी जी। यस सर, सर वन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स व्हाट आर द चार्जेस व्हिच आर बीइंग लेवीड फॉर सीएस? आपका वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो प्लीज वीडियो बुलाइए, कैमरे पे लाइए अपने आपको। विजिबल जी सर, वन क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉर्मली चार्जेस व्हिच आर बीइंग चार्ज फॉर वेरियस टाइप ऑफ सीएस सर्विसेज अंडर रेरा इन द मार्केट? देखिए मुझे नहीं जानकारी क्योंकि मैं सर्टिफिकेशन वर्क नहीं करता मैं तो लिटिगेशन देखता। अच्छा ठीक है, ये योगेश जी क्वेश्चन आया हुआ है जी, एज पर सेक्शन 17 कैन अ प्रमोटर डू रजिस्ट्री बिफोर कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट? देखिए इसमें क्या है कि ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट में भी अपनी दिक्कतें हैं। ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की है और डेवलपमेंट अथॉरिटी इतनी इजीली सर्टिफिकेट नहीं देती। तो इसमें क्या हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए 4 सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लिफ्ट का, फायर का, इलेक्ट्रिसिटी का और स्ट्रक्चर का। तो कुछ रेरा अथॉरिटीज जो है वो ये अलाउ कर रही है कि अगर आपके पास में 4 सर्टिफिकेट हैं और आपने ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन के लिए अप्लाई कर दिया है और विद इन 7 डेज वहां से कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी आपके पास में ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो दैट इज मे बी डीम्ड एज ए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो फिर उस केस में वो रजिस्ट्री कर सकते हैं। एक और ये क्वेश्चन है योगेश जी, इफ द बिल्डर वाज पेइंग मंथली इंटरेस्ट फॉर डिले इन पजेशन बिफोर कोविड टू कस्टमर, कैन he hold the interest for COVID period? देखिए वो तो कहेगा ही कि भी ये force major clause है। आप भी ये कह सकते हैं कि भी मैंने भी तो बैंक से लेके दिया, मैं तो बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूँ। Exactly सही। नितिन जी, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, हमारी कल से 6 दिन की जीएसटी की लर्निंग क्लास हमने चालू करी है, तो मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि 6 दिन का बेसिक करते हुए कि कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, क्या बेसिक होगा, कल 10:30 बजे से लेके 29 तारीख तक हमारी 6 दिन रूटीन है और 26 तारीख से इनकम टैक्स के 3 दिन की वेबिनार है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे ज्वाइन करें और कोविड का जो हमें सजा मिली है इसे हम बेनिफिट के रूप में परिवर्तित करें। निश्चित है कि जब पांडव जब वनवास में गए थे तो उन्होंने बहुत सारी वनवास के टाइम में बहुत सारी तपस्या करी थी, ये हमारा तपस्या करने का टाइम है, हम तपस्या करें और कल 10:30 बजे हम जीएसटी की 6 दिन की जो हमने वेबिनार करी है वन वाई सब्जेक्ट वाई सब्जेक्ट, स्पीकर सारे बहुत बेहतरीन हम सिलेक्शन कर रहे हैं और 26 तारीख से हमारी इनकम टैक्स पर है, 25 तारीख को हमारी 3 बजे से 5 बजे तक कॉर्पोरेट लॉ में कॉर्पोरेट लॉ की एक हमारी सेमिनार्स है, जिस सेमिनार्स में मुकेश सिंह कुशवाहा जी ने सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के चेयरमैन है वो एज ए स्पीकर आ रहे हैं। प्लीज 25 तारीख को मैक्सिमम नंबर में हम ज्वाइन करें ताकि हम इंस्टीट्यूट का वर्जन भी देख पाएं और जो नई नई स्कीम्स आई है कंपनी लॉ में कंपनी एक्ट में उसका ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज अपडेट कर पाएं। अभी हमारे बीच में विनय मित्तल नाम से शो हो रहा है, आज विनय मित्तल बहुत सारे हो गए हैं। विनय मित्तल जी प्लीज पुट योर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, रेज हैंड हमारा लास्ट है, उसके बाद हम फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। विनय जी प्लीज, विनय जी मेरे पास शो हो रहा है, सर पुट योर क्वेश्चन प्लीज। मैं मेरा क्वेश्चन एक मिनट कंप्लीट कर सकता हूं, जो मैंने किया था सेक्शन 17 वाला, इसमें अगर कंप्लीशन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो रजिस्ट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पर सेक्शन तो ये बोल रहा है विदिन 3 मंथ फ्रॉम द कंप्लीशन आपको करनी है, मैक्सिमम लिमिट बोल रहा है, उसकी कोई बाउंडेशन तो दिया नहीं कि उसके पहले नहीं कर सकते। नहीं देखिए जब तक ऐसा है कि आप एक बात समझिए कि जब तक कोई चीज कंप्लीट ही नहीं है उसकी रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी?
सके मार्केट में तो हमारे पास प्रमोटर्स आते हैं, वो बोलते हैं सामने वाला रजिस्ट्री करना चाह रहा है, जो भी है तो वो लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं। देखिए ये इस चीज के लिए जो है ना आपको जो है वो कंसर्न रेरा अथॉरिटी में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। एस पर एक्ट में हम नहीं कर सकते, एस पर एक्ट नहीं हो सकते। आज आज योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा डेलीवर किया, बहुत स्लोली आपने दिया, बहुत स्लोली आपने बताया। रेरा एक हार्ड सब्जेक्ट है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट रेरा के प्रोविजन से ज्यादा नहीं जानते हैं, बहुत धीरे धीरे आपने उसे स्लोली आपने उसे बताया। आज हमने अपनी स्टार्टिंग मैंने अपने गुरु सुनील गोयल जी से करी थी, आपके गुरु जी भी आपके बीच बैठे हैं जो मेरे लिए भी बहुत रेस्पेक्टेबल है। मैं सीए पवन कुमार गोयल जी से जो पास्ट सीआरसी चेयरमैन है, सर दो ब्लेसिंग मैसेज आपका, स्टार्टिंग हमने गुरु से करी थी, आज हम बीच में भी गुरु के बीच में लेकर आते हैं। गुरु के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काके पागे लाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताए। श्री पवन गोयल जी जी मेरे लिए आज इस चीज का अवसर क्या हो सकता है? थैंक्स सर। फ्रेंड जो है वो हमें सिखा रहा है और वो पुरानी कहावत है ना, गुरु बोड़ी रह गया केला चीनी हो गया, बिल्कुल ये तो आशीर्वाद है सर आपका। वो साथ है। और विनय जी आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों का कोविड 19 जो है ये एक बदमाश का समय है और बदमाश के समय में हमें योगेश जी जैसे ऋषि मिल जाए जो अपने पूरे ज्ञान से जो है हमें लाभान्वित कर रहे हैं, खास तौर से रेरा जैसे सब्जेक्ट पे जिसकी की बेसिक जानकारी भी हम लोगों को नहीं है। और मुझे लगता है कि कम से कम आज योगेश जी का लेक्चर सुनने के बाद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको एक नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है वो वास्तव में जो है वो अपनाना चाहेंगे। विनय जी फाइनली कंक्लूड करने से पहले बस मैं एक छोटी सी चीज इसमें जो है वो बताना चाहूंगा। हमारे मेंबर नितिन कपूर जी ने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने वर्क सर्टिफाई किया है और आर्किटेक्ट ने और इंजीनियर ने और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मुझे सर्टिफिकेट देना है तो मुझे कैसे देना चाहिए। मेरी इसमें एक पर्सनल ओपिनियन है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी जो है वो जरूर देखना चाहिए। मैं इसलिए ये चीज मेंबर के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे कई बार ऐसा मौका मिला कि जब मुझे इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करने का जो है वो टाइम आया, मैंने देखा आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने जो जो हमें वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया था, जब मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच किया तो उसमें एक्सपेंडिचर ही कहीं नहीं आ रहा था। मैंने जब उसका एक्सपेंडिचर को वर्क कंप्लीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो वो तो 200% के करीब जा रहा था। तो हमारे एक्स सेंट्रल काउंसिल मेंबर मुकेश सिंह कुशवाहा जी भी हमारे बीच है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडेंस नोट भी है इस बारे कि अगर मुझे अपने किसी एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर जो है वो रिलाई करना है तो मुझे अपना प्रोफेशनल जजमेंट जरूर लगाना चाहिए कि क्या मैं उसके वर्क के ऊपर जो है वो रिलाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं आंख बंद करके उसके वर्क के ऊपर ऐसा कह के रिलाई नहीं कर सकता कि मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास अल्टरनेट प्रोसीजर्स है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे अल्टरनेट प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करने चाहिए और अप्लाई तब मुझे देखना चाहिए कि क्या जो सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ वो सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं है। वास्तव में आज एक ये बहुत ही अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी रही हम सब लोगों के लिए रेरा के प्रोविजन को समझने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी कि आपने इतनी अच्छी तरह से हम सब लोगों को रेरा के प्रोविजन जो है वो समझाए। और ये तो आशीर्वाद है सर आपका। वेबिनार के पीछे करता धरता हैं नितिन जी हैं, मुकेश सिंह कुशवाहा जी हैं, विनय मित्तल जी हैं, धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वनवास के समय में हम लोगों को जो है अपना इतना अच्छा जो है वो ज्ञानवर्धन हम लोगों को कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से मेंबर्स का
कि जो इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, मैंने देखा कि एक समय तो लगभग 275 से ज्यादा मेंबर क्रॉस हो गए थे और यूट्यूब पे भी 150 से ज्यादा मेंबर जो है वो लगातार जो है वो सेशन के साथ में जुड़े रहे। अपने आप में ये बहुत जबरदस्त एक जो है हम लोगों का अचीवमेंट है, और जैसा कि विनय जी ने बताया आगे भी हम लोगों का पूरा हफ्ता जो है जीएसटी की पाठशाला है, तो जैसे बच्चों की पाठशाला होती है मुझे लगता है उसी तरह से ये पाठशाला रहेगी, और हम लोगों को ये सारी क्लासेस जो है वो जरूर जो है वो लेनी चाहिए। सभी मेंबर्स का, योगेश जी का और इस वेबिनार के कर्ता धर्ता का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। हमारे बीच इलाहाबाद से मेरे बड़े भाई आरसी अग्रवाल जी भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनके ब्लेसिंग के बिना स्विच ऑफ कर दूं। अभी हेमंत जी वोट ऑफ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। बड़े भाई आशीष आरसी अग्रवाल सर जो कंटिन्यू देख रहे हैं, बिना उनके मार्गदर्शन के मैं बंद नहीं कर सकता। विनय जी, आज हमने योगेश गोयल जी को सुना और पहली बार लगा कि रेरा इज अ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्क, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है कि रेरा के कंसल्टेंसी के लिए कोई आदमी कोई फीस देना नहीं चाहता, खासकर छोटे टाउन में। और ये और खुशी की बात आज ये है कि इन्होंने सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत बढ़िया दिया, ऐसे स्पीकर बहुत बढ़िया लोगों अपनी लोगों को समझाया डिफरेंट प्रोविजंस और कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए क्या क्या है, और क्वेरीज का भी जवाब बहुत बढ़िया दिया। एंड इट इज रियली मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर कि पवन गोयल साहब सामने बैठे हैं, मेरे मित्र हैं और उनके ही शिष्य योगेश गोयल जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रवचन दिया रेरा पे, और ये गुरु के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि मेरा बालक यहाँ पर है, मेरा आर्टिकल ये मेरा आर्टिकल है। मुझे ही बहुत खुशी होती कि मेरा आर्टिकल जो है वो लंदन में पोस्टेड है और उसकी तनख्वाह 5 करोड़ रुपए है। इट इज रियली मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस सेमिनार मिस्टर विनय मित्तल, सीए विनय मित्तल जी, मुकेश कुशवाहा जी, नितिन गुप्ता जी, पवन गोयल साहब एंड अदर मेंबर्स हु आर प्रेजेंट, आई कन्वे माय थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस वेबिनार फंक्शन सेमिनार। एंड विनय मित्तल जी हैज राइटली सेड दैट कोविड इज अ बूम फॉर अस एंड वी आर लर्निंग मेनी मेनी थिंग्स एंड एवरी डे आई एम फाइंडिंग दैट विनय मित्तल जी इज ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार थ्रू वेबिनार ऑन वन टॉपिक और अदर। On 26th, he is organizing one seminar on taxation and one of my article and junior most partner will be speaking on the subject, and it will be really a matter of great honor for me to listen him in the seminar. Thank you to all. Thank you so much, Raya. Thank you. अभी हमारे भी हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर मुकेश सिंह कुशवाहा जी भी हैं, जो एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं। सर आपकी भी ब्लेसिंग चाहिए। विनय जी, सबसे पहले तो आपको और नितिन जी को बहुत बहुत बधाई, और नितिन जी के साथ जो भी टीम लगी, गौरव शर्मा जी हैं, आशीष मित्तल जी हैं, धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एफर्ट्स किए और उससे इतना बड़ा पार्टिसिपेशन आया, और सबसे इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में योगदान हमारे स्पीकर का तो है ही, योगेश जी का, और सीनियर मेंबर सुनील गोयल जी, आरसी अग्रवाल जी, पवन जी, सभी लोग मैं देखता रहा कि वो लाइव बने रहे और इंटरेस्ट लेके उस वेबिनार का उन्होंने लाभ उठाया है इस टॉपिक का। जैसा आपने बताया कि हम रेगुलर हमारी वेबिनार कंटिन्यूस हो रही हैं, कल से जीएसटी की 10:30 बजे से वेबिनार शुरू होगी, 1 बजे तक रहेगी, तो बेसिक लर्निंग है। जिसने मेंबर ने उसको प्लान करने का पर्पस यही था, जिस मेंबर ने आज तक जीएसटी का काम शुरू नहीं किया वो उसको समझे सीखे और उसके बाद इतना कैपेबल हो जाए कि वो काम शुरू कर पाए, या जो हमारे प्रोफेशन में है उसको बेसिक नॉलेज मेंबर को जीएसटी का इतना जरूरी है कि जो ये पाठशाला हमारी जो लर्निंग लेक्चर होंगे उससे वो प्रैक्टिस ना करे फिर भी वो नॉलेज उसके लिए फर्दर अदर प्रैक्टिस में भी काम आएगा, क्योंकि जीएसटी का यूज अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी है, कंपनी है तो ऑडिट रिपोर्ट में भी आपको सारा चीज देखना है, तो ये चीज है, और जीएसटी ऑडिट कर रहे हो तो जीएसटी ऑडिट में भी वो सारी कंप्लायंस देखनी है, तो इसका नॉलेज रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, वैल्यू ऑफ सर्विस क्या है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझना, रिटर्न कैसे फाइल होगी, एनुअल रिटर्न कैसे होगी, ऑडिट का क्या फॉर्मेट दिया हुआ, कैसे उसको कंप्लायंस करनी है, तो सारी चीजें हम 6 दिन में हमने कोशिश की है,
कि ये 6 दिन में बहुत अच्छा बेनिफिशियल लेक्चर रहे, सेशन रहे। 25 तारीख को आफ्टर लंच सेशन, हमारे 2 सेशन चल रहे हैं, सुबह 10:30 से 1 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। 3 बजे 25 तारीख को हमारी कंपनी लॉ में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो एमनेस्टी स्कीम आई है LLP के लिए और कंपनी के लिए, और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, और कोविड के लिए गवर्नमेंट की जो बिजनेस अनाउंसमेंट है बेनिफिट्स के लिए, वो सारी चीजें हमारे कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस कमेटी के चेयरमैन हैं चंद्रशेखर चितले जी, वो अपनी डिलीवरेशन देंगे। और 26 तारीख से इनकम टैक्स के 3 दिन के लेक्चर। तो इस तरह से हमारा 1 महीने का ये जो बचे हुए 8-10 दिन है, ये ओवरऑल हमारा फुल नॉलेज सेशन चलता रहेगा। और आपका स्वागत और धन्यवाद भी करता हूँ जो भी पार्टिसिपेंट इसमें आए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स जिनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में, ज्यादा से ज्यादा उनको अवगत कराएं और उनको कोशिश करें कि वो इस सेशन का फायदा उठाएं। और मैं सभी को एक बार धन्यवाद करता हूँ, विनय जी को, नितिन जी को, पवन जी को और अग्रवाल साहब को, सुनील गोयल जी को और हमारे स्पीकर योगेश गोयल जी को। थैंक यू सर। अब मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हेमंत गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। हेमंत जी प्लीज फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स कहके करें। लेकिन इससे पहले एक हमारी रह गई है, हम COVID-19 में हम अपने स्पीकर्स को ना तो पुष्पों की माला पहना पा रहे हैं और ना ही हम उन्हें कोई अपना लव ऑफ टोकन दे पा रहे हैं। योगेश जी आपकी पुष्पों की माला भी, प्यार वाली एक माला भी और एक आपका लव ऑफ टोकन भी हमारी तरफ ड्यू है, और अभी उसे हम प्यार के रूप में आपको प्रेषित कर रहे हैं, कृपया उसे एक्सेप्ट करें। थैंक यू सर। मैं योगेश सरकार के नियमों का पालन करना है विनय जी, भारत सरकार के। लेकिन विनय मित्तल जी रिक्वेस्ट ये है तो बाद में दे देना आप। चलो सिंबॉलिक में शब्दों में बयान कर देता हूँ, मार मत लेना, सिंबॉलिक अभी दे दो, एक्चुअल बाद में दे देना। अभी तो सिंबॉलिक उनके लिए हम श्रद्धा सुमन ये अपने उनके लिए स्वागत में ये शब्द यूज करता हूँ कि ये फूलों की माला, ये फूलों के गुंचे, ये फूलों की माला, फूलों के गुंचे, ये तारे सितारे, बेजान चीजों की नुमाइश हटा दो, जहां से आए हैं मेरे मेहमा उनके स्वागत में हमारे दिल की धड़कन बिछा दो। तो इस भावना से आपका स्वागत करते हैं योगेश जी हम। थैंक यू सर। थैंक यू। हेमंत जी प्लीज फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। हेमंत जी, हेमंत गुप्ता जी। भैया मेरा काम तो मेरे सीनियर्स ने बहुत आसान कर दिया सबने। योगेश जी को मेरी तरफ से फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने इतना अच्छा डेलीब्रेशन दिया। मेरे सीनियर्स मुकेश सिंह कुशवाहा जी, पवन गोयल जी, सुनील गोयल जी, आरपी अग्रवाल जी, और उनका सबकी मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं था ये वेबिनार इतना सक्सेसफुल होना। विनय भैया को, नितिन को और मेरे सारे बाकी कलीग्स, आशीष भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने प्लेटफॉर्म हमें दिया लर्निंग का। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कल से जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है GST के ऊपर, वो भी इतना ही सफल और इतना ही इन सब लोगों के मार्गदर्शन से सक्सेसफुल रहेगा। धन्यवाद। मैं आपसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं सुबह 5 बजे बैठ जाता हूं अपने ऑफिस में, मेरा रेसिडेंस कम ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पर रेसिडेंस है, 5 बजे बैठ जाता हूं और 11-12 बजे तक रात को मैं काम कर रहा हूं इसमें। मतलब सोचिए मेरी वर्किंग बढ़ चुकी है उल्टी। सर आपकी आवाज थोड़ी कट गई है। बाद में बात करते। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।